بسم الله الرحمن الرحيم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي فضل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامهم يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرجو لديه سلاطان تمتا ابو نوان ملک الحی القیوم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا جدي الحسن والحسين وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم गरीब आए हैं तेरे दर पे गरीब नवाज गरीब आए हैं तेरे दर पे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज और तुम्हारे दर की ये करामत बारहा देखी तुम्हारे दर की ये करामत बारहा देखी गरीब आए और हो गए गरीब नवाज मौजूद सामीन अकराम आज की ये बज्म सुल्तानुल हिंद फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन अजमेरी संजीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है सरकार ख्वाजा गरीबी नवाज ज़ात और शख्सियत की मोहताज नहीं है अहले सुन्नत वल जमात का कौन सा बच्चा है जो सरकार गरीब नवाज को नहीं जानता है मोहब्बत गरीब नवाज इश्क गरीब नवाज हमें ड्यूटियों में दिलाया जाता है और इसका सबब और वजह यह है क्या वजह है कि हम हर साल सरकारी गरीब नवाज का तस्करा करते हैं उनका जिक्र करते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं है हमारा कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है तो फिर सबब क्या है सबब सिर्फ इतना सा है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें ईमान और इस्लाम दिया अगर सुल्तानुल हिंद की ज़ात हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ना लाती तो आज हम कुफ्र शिर्क में मुब्तला होते
सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के लोगों पर हुआ एहसान अजीम फरमाया कि जो एक बाप और एक माँ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि बाप और माँ बाप तो पैदा कर देते हैं, जिंदगी में पालते पोसते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन मरने के बाद जो आखिरत की असल जिंदगी है, जो हमेशगी की जिंदगी है, उस हमेशगी की जिंदगी में आराम और सुकून का सामान जिन्होंने मैसर कराया है वो हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी की ज़ात गिरा। सुल्तानुल हिंद में बहुत कुछ आप सुनते हैं उलमा से, और चूंकि बयान मुझे बहुत ज्यादा करना है, ख्वाहिशात यह है कि तफसीलात बताई जाए गरीब नवाज के बारे में, लेकिन ये मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है कि एक रोज़ और दो रोज़ के जलसे में सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी और उनके सवाने हयात को अहाता किया जाए। जहाँ तक मुमकिन और कोशिश होगा मैं उनका जिक्र करूँगा, लिहाजा मैं तमीज को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इन शॉर्ट अपने उनवान पर आते हुए आपको बताना चाहता हूँ और तारीख के हवाले से आपके गोशगुजार की बात कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्त का एहसान सबसे ज़्यादा है। ये तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर सिलसिले कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सोहरावर्दिया भी है, लेकिन सिलसिले चिश्तिया का जो एहसान मुसलमानान हिंद पर है तो वह एहसान सबसे ज़्यादा बुलंद वाला है। आप जो लफ्ज़ सुनते हैं सिलसिले चिश्त, तो इसकी वजह तस्मिया क्या है? ये चिश्ती हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस सिलसिले के बुजुर्गों के नाम के बाद, तो इसका सबब क्या है? आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्यों कहते हैं, ख्वाजा उस्मान चिश्ती क्यों कहते हैं, निज़ामुद्दीन चिश्ती क्यों कहते हैं, नसरुद्दीन चिश्ती क्यों कहते हैं? इस सिलसिले चिश्तिया के जो बुजुर्गान दीन हैं, तो ये चिश्ती जो कहलाए इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो मैं तारीख के हवाले से बताऊँ कि इस सिलसिले में एक बुजुर्ग आते हैं जो अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त के जोद और तकवा के पेशवा, अपने वक्त के शेखुल मशायख, जिनका नाम तारीख़ इस्लाम में शेख उलूम उमशाद रहमतुल्लाह ताला ले आता है। और इससे पहले के अगर बुजुर्गों का आप जायज़ा लेंगे तो हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम इस सिलसिले में है, ख्वाजा हसन बसरी है, इसमें बड़ी बड़ी जलीलुकद शख्सियात हैं। लेकिन मैं जिक्र वहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हज़रत शेख उलू मुमशाद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे, बगदाद में इनका क़याम है, और ये ज़माना वही है कि जिस ज़माने में सरकार गौसे आज़म जैसी शख्सियत जलवागर होने वाली है। सरकार गौस पाक से कुछ पहले का ज़माना, अपने वक्त के जोद और तकवा के इमाम माने जाते थे हज़रत शेख उलू मुमशाद रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी बारगाह में निशापुर का एक नौजवान हाजिर होता है, और निशापुर का ये नौजवान जो आ रहा है ये अपने वक्त का इमाम वक्त है, आलिम दीन है, आलिम बामल है, मुत्तकी और परहेज़गार है, उलूम हदीस उलूम फिका पे महारत तामा रखता है। जब बारगाह शेख हजरत उलूम मुमशाद की खिदमत में पहुँचता है, अर्ज करता है कि हुज़ूर इल्म ज़ाहिर को मैंने हासिल कर लिया, इल्म बातिन के उसूल के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। इल्म की आगाही और उसकी गहराई की हकीकत शनासी के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मैं आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद फरमाइए। हजरत शेख उलूम मुमशाद रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद फरमाया उस नौजवान को जो निशापुर का नौजवान था, और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा हुज़ूर मेरा नाम अबू इसाक शामी है, इसलिए कि मैं मुल्क शाम में पैदा हुआ जिसको आप सीरिया कहते हैं, मुल्क शाम मेरी पैदाइश है, उसकी नस्बत से मैं अपने नाम के आगे अबू इसाक शामी लगाता हूँ। हजरत ने इरशाद फरमाया कि हेरात के शहर चिश्त की हमने खुदबियत तुम्हें अता की, हेरात के शहर चिश्त की तरफ पूछ करो और वहाँ पे खुदबियत के जिम्मेदारी को संभालो, और उस शहर की चूँकि हमने तुम्हें खुदबियत अता की, वहाँ की विलायत अता की, लिहाजा उस गांव और उस कस्बे की मुनासिबत से आज से तुम्हारा नाम अबू इसाक शामी नहीं बल्कि अबू इसाक चिश्ती होगा। चिश्त ये हिरात का शहर है और हिरात का पुराना नाम है, अब ये शहर अफगानिस्तान में शामिल हो चुका है, इस वक्त ये अफगानिस्तान में आता है, उसका कस्बा है चिश्त। चुनांचे वहाँ की खुदबियत मिली
लिहाजा हजरत अबू ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से चिश्ती मशहूर हुए। अब इस सिलसिले में जितने बुजुर्गान दीन बाद में आते रहे सब अपने आगे नाम की निस्बत में चिश्ती लगाते हैं। यह है चिश्ती होने की निस्बत। हजरत ख्वाजा अबू ईसा शामी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके खलीफा और उनके मुरीद हजरत अबू अहमद अब्दाली रहमतुल्लाह ताला। अभी सब सब एक एक के हालात में बताऊंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। मैं सिर्फ तीन शख्सियात का जिक्र करूंगा और उसके बाद मैं ख्वाजा गरीब नवाज पर आ जाऊंगा। अगर एक एक शख्सियत पर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक एक बयान करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ये सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों के लिए हमें जैसे मुहर्रम में हम 10 रोज़ तकरीर करते हैं उसके लिए भी शायद 10 दिन लग जाए क्योंकि इस बारे में इतनी मालूम है। किताबों के यहाँ ज़खीरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अहमद अब्दाली के खलीफा है हज़रत अबू मोहम्मद अब्दाल। ये सब अपने वक्त के आफ्ताब और महताब हैं विलायत और सब अपने वक्त के वो हैं कि जिनकी तारीख आप पढ़ें तो एक जर्रीन बाग है ये तारीख इस्लाम इनके खिदमात। और कल मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि सिलसिले चिश्तिया की हिंदुस्तान में क्या खिदमात रही है और आज उस खिदमात का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग गरीब नवाज की उस खिदमात के मुतारिफ नहीं है कुछ लोग कुछ जमातें कुछ फिरके। कल मैं इंशाअल्लाह दिखाऊंगा आपको। हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दाल के खलीफा आते हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला और फिर उनके खलीफा हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला। निशापुर का शहर है जहां पर हजरत इमाम मुस्लिम की पैदाइश हुई जो इल्म हदीस के अपने वक्त के इमाम थे और सहा सित्ता में बुखारी के बाद जिनकी किताब मुस्लिम सबसे मुस्तरक तरीन किताब मानी जाती है उसी शहर निशापुर में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी उस शहर के एक महल जिसका नाम हारून है उस हारून इलाके में पैदा होते हैं। उस नस्बत से आपके नाम के आगे ख्वाजा उस्मान हारून चिश्ती नस्बत लगाई जाए। 536 हिजरी में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की विलादत निशापुर। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने वक्त के वली कामिल थे और सियारुल औलिया जो हजरत सैयदना मोहम्मद बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबें यहाँ रखी हुई है जिसके लिखने वाले हजरत सियारुल औलिया जिसके लिखने वाले हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत सैयद मोहम्मद इब्ने मुबारक करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अपनी किताब में फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का आलम यह था कि 16 साल की उम्र में तमाम उलूम आपने पूरे मुकम्मल फरमा लिए। 16 साल में आप अपने वक्त के जलील कदर इमाम बन चुके थे जलील कदर आलिम दीन आप हो चुके थे फारिग तहसील हो चुके थे इल्म हदीस इल्म फ़िका उसूल हदीस और उस वक्त के जितने मरवज्जा उलूम थे सब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी 16 साल में मुकम्मल फरमा लिए। ज़ुहद व तक़वे का यह आलम था हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कि रोज़ाना एक कुरान अजीम ख़त्म फरमाया करते। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सियारुल औलिया इसके अंदर फरमाते हैं और एक दूसरा हवाला आप और सुन लें मौनिसुल अरबा सफ़ा नंबर 26 मौनिसुल अरबा की तस्नीफ है शहजादी बेगम जहारा जो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की सगी बहन है अपने वक्त की राबिया बसरिया है अपने वक्त की आबेदा और जाहिदा है। चुनांचे जहारा बेगम अपनी किताब मौनिसुल अरवा में नहीं नकल करती हैं कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के ज़ोद तकवे का यह आलम था कि 70 साल तक मुसलसल आपने एक दिन रोज़ा रखा और एक दिन आप इफ्तार से यानी 35 साल आप रोजे से रहे मुकम्मल और 70 साल तक रोजाना कुरान अजीम खत्म करते थे। साल में होते 365 दिन को आप 70 से जब जरब देंगे तो 25,550 मरतबा कुरान अजीम आपने खत्म करना है। ये आपकी इबादत और जुहद का और तकवे का आलम है। चुनांचे खजीरतुल असफिया जिसके लिखने वाले हजरत मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब में खजीनतुल औलिया सफा नंबर 254 जिल्द नंबर 1 में फरमाते हैं कि 16 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला ने हजरत शेख शरीफ जिदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाते हैं।
और शेख शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मसूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। अभी मैं शेख जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा छोड़ रहा हूँ, वजह यह है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इसी बुजुर्ग का मैं तस्करा तफसीलन करूँ। गर्स के ख्वाजा उस्मान हारोनी उनसे मुरीद हुए हजरत हाजी शेख शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। 16 साल की उम्र में खिलाफत से नवाजे जाते हैं और अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में रहने के बाद कुछ अरसा गुजारने के बाद मुर्शिद की इजाज़त से बैत और खिलाफत का परवाना लेकर आप दुनिया की सैर और सियाहत के लिए और इस्लाम की तबलीग के लिए निकलते हैं। ख्वाजा उस्मान हारोनी के साथ तकरीबन 40 या 45 मुरीदीन का जमघट्टा है, मुख्तलिफ शहरों के इलाकों में जाते हैं और इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं। चलांचे एक बस्ती में आप पहुँचे, वो दिन वो था जिस दिन ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रखा करते थे। इफ्तार का वक्त हुआ, आप नमाज मगरिब के लिए अभी तैयारी फरमा रहे हैं तो अपने मुरीद को बुलाया और फरमाया कि जाओ इफ्तार के लिए कुछ खाना तैयार करो, जब तक हम वजू वगैरह कर लेते हैं। चुनांचे नमाज असर अदा की आपने और इधर ये मुरीद इफ्तार की तैयारी के लिए असर की नमाज पढ़ने के बाद खाने की तैयारी में मसरूफ हुआ। अब ज़रूरत पड़ी आग की, आग जलाना है तो उस ज़माने में माचिस तो थी नहीं कि माचिस लिया और जलाया और आग रोशन हो गई। दो तरीके थे कि कहीं आग रोशन हो रही हो, जल रही हो तो वहाँ से लकड़ी लाइए फिर अपनी आग रोशन कीजिए, और दूसरा ये कि दो पत्थरों को आपस में टकरा के जिसको चकमक कहते हैं उस पत्थर को टकरा के आग पैदा की जाती है। अब चकमक था नहीं, वो पत्थर था नहीं जिससे आग पैदा की जाती है। चुनांचे ये मुरीद आग की तलाश में निकलता है और जब बहुत दूर जंगल के आगे निकला तो एक आबादी नजर आई, देखा आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। आबादी में दाखिल हुआ और जब मालूम हुआ तो पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा आतिशकदा है और तकरीबन 40,000 की आबादी है जो आतिश परस्त है, आग की पूजा करती है, माबूद इन्होंने अपने आग बनाया हुआ है। आसपास के जितने इतराफ के गाँव वाले हैं कि सब आतिश परस्त है, यहाँ पे इबादत के लिए आते हैं और 20 बैलगाड़ियां भर के रोजाना लकड़ियां जलाई जाती है, इतना बड़ा आतिशकदा। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद पहुंचता है, कहता है कि आग दीजिए, आग दीजिए, मुझे आग की जरूरत है। तो जो लोग वहां प्रतिश कर रहे थे इबादत में मसरूफ थे आके, उन्होंने कहा हमारा मुखिया वो खटिया के ऊपर बैठा हुआ है, उससे मांगो, हमें इजाजत नहीं है कि हम इस आग में से कुछ दें। बहरहाल अलमुख्तसर वो मुखिया के पास पहुंचा जिसका नाम तारीख में मुखिया आता है, मुखिया से कहता है कि मुखिया 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 जी आप आग अता कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये आग नहीं दे सकते, और आग इसलिए नहीं दे सकते कि आग हमारी माबूद है जिसकी हम इबादत करते हैं, उसके जुज को इसके हिस्से को हम कैसे तुझे दे सकते, ये हमारे माबूद की तौहीन है, ये हमारी इबादत के आदाब के खिलाफ है, हम आग नहीं दे सकते। रांची यह हुआ कि मुरीद नाकाम और मायूस लौटा, इधर ख्वाजा उस्मान हारूनी असर की नमाज से फारिग हो चुके थे, इरशाद फरमाया क्या हुआ, खाने की तैयारी नहीं हुई। अर्ज किया हुजूर क्या करें, आग का इंतजाम नहीं हुआ, पास ही आतिश परस्तों की आबादी है लेकिन आलम यह है कि वो आग देने के लिए तैयार नहीं है। आप फरमाते आओ हमारे साथ चलो, हम तुझे आग दिलवा देते हैं। अब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के साथ तशरीफ ले जाते हैं, मुखिया के करीब पहुंचे और मुखिया से कहा कि मुखिया ये आग तुम्हें देने में क्या एतराज है, थोड़ी सी आग दे दो, इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। कहता हुजूर हम यकीनन आपको दे देते, हमारा ये अमल किसी तासुब की बिना पर नहीं है बल्कि एहतराम की बिना पर है, और एहतराम हम अपनी इस माबूद का करते हैं, आग का करते हैं जिसकी हम इबादत करते हैं, हम इसको दे नहीं सकते, इसका कोई जुज आपको अता नहीं कर सकते, ये हमारे माबूद की बेअदबी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं तुम इसकी इबादत करते हो, इसको पूजते हो, इसको राजी करने के लिए तैयार हो, तो क्या ये आग ये तुम्हारा माबूद तुमसे राजी है। कहाँ क्यों नहीं राजी है, हम बरसों से इसकी इबादत कर रहे हैं। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते अगर राजी है तो फिर इस आग में अपना हाथ डाल के बताओ, और अगर तुम्हारा हाथ महफूज रहा तो मैं जान लूंगा और मान लूंगा कि वाकई ये तुम्हारा माबूद तुमसे राजी है, और तुमने इतने सालों जो इसकी पूजा की तो फिर तुमने कुछ काम किया है। तो मुखिया कहता है आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं, आपका काम जला देना है, आपका काम किसी को खाक कर देना है, यह आग हमें कैसे छोड़ सकती है, मैं अपना हाथ क्या, अगर मैं अपना कुर्ता भी डाल दूं तो जला कर खाक कर देंगी, इसलिए कि इसका काम जलाना है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फिर बदी फरमाते हैं तो फिर उस आग को क्यों पूजते हो जो तुम्हें जला सकती है, मैं तुझे उस माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो इस आग का भी खाली है।
جو اس آگ کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور وہ قادر ہے کہ اپنے بندے مومن کو اپنے پسندیدہ بندے کو اگر وہ آگ میں داخل بھی ہو جائے تو اس آگ اس پر کوئی اثر نہ کرے اور محفوظ ہو جائے. اگر تو اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو آ میں تجھے وہ چشمدید واقعہ دکھا دوں. چنانچہ یہ فرما کر خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کی گود میں اس کا ایک پوتا بیٹھا تھا بچہ اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس آگ میں آپ نے چھلانگ لگا. بس جیسے ہی آگ میں چھلانگ لگانا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ شور برپا ہوا اور خواجہ عثمان ہارونی جب آگ میں داخل ہوتے ہیں قرآن عظیم کی آیت کریمہ زیر لب آگ ود فرما رہے ہیں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یہ آیت کی تلاوت کر کے آپ آگ میں داخل ہو گئے. مکھیا چیخ پڑا, پورا جمے کا پھر جمع ہو گیا کہ کیا معاملہ ہوا, ایک عجیب پاگل انسان آیا, خود تو اس نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے اور ہمارے بچے کو بھی اس نے مار ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فانن یہ خبر پہنچتی ہے اور وہ پوری آبادی آتش کدے کی طرف دوڑتی ہے کہ آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا, ایک دیوانہ شخص آیا اور اس نے مکھیا کے پوتے کو اپنے ساتھ آگ میں لے کر داخل ہو گیا. بہت دیر ہو گئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہے. اب ہمت کیا ہے جو آگ میں چلا گیا ہو, داخل ہو گیا ہو, کون ہے جو جا کے اس کو بچائے, جو جائے وہ خود جل جائے. جب کافی عرصہ گزر چکا تو اس کے بعد اسی آگ کے آتش کدے سے ایک نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب نگاہیں اٹھی تو دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی اسی بچے کو گود میں لیے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. اب کیا فرمایا, دیکھ جب لوگوں نے دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی کو اس آگ نے جلانا تو بڑی دور کی بات ہے, آپ کا لباس اور آپ کے امامے کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. فرمایا اس رب کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس نے مجھے یہ قوت اور طاقت عطا فرما دی کہ یہ آگ میرا کچھ نہ بگاڑ سکی. آؤ اس خدا بندے قدوس کی طرف جو اس آگ کا بھی خالق ہے, جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے, تمہارے پہلے والوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور جو بعد کا بھی پیدا کرنے والا ہے. آؤ اس معبود کی طرف. جیسے ہی آپ نے یہ تبلیغ فرمائی پوری قوم سجدہ ریز ہوتی ہے اور کہتی ہے خواجہ عثمان ہارونی ہم نے مان لیا کہ جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ آگ اس کو نہ جلائے اس کے پروردگار کی قوتوں کا کیا عالم ہوگا. وہی اسلام سچا ہے, یہی مذہب حق ہے. آئیے ہمیں اسلام میں داخل فرما لیجئے. پوری 40,000 کی آبادی اسلام میں داخل ہو جاتی ہے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کا نام عبداللہ رکھا اور اس جماعت کا اس کو مکھیا برقرار رکھا اور اس کے بعد ایک نگاہ فیض جو ڈالی ہے تو یہ عبداللہ جو کل تک آتش پرست تھا وقت کا ولی کامل بن چکا ہے. اور اس کے بعد فرماتے کہ اس قوم میں میں تجھے ان کی رہنمائی اور ان کی تربیت کے لیے چھوڑتا ہوں, تجھے سارے علوم عطا کر دیے گئے, ظاہراً بھی علوم دے دیے گئے, باطناً بھی علوم دے دیے گئے, اس قوم کی تربیت اور اس کو نصیحت کر اور اس پوتے کو جس کو آپ لے کر داخل ہوئے تو اس کا نام آپ ابراہیم رکھتے ہیں. اور وہ آتش کدا جہاں برسوں سے آگ روشن تھی اس آتش کدے پہ ایک عالیشان مسجد تعمیر فرمائی. یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے پیرو مرشی. تو یہ پیروں کا سلسلہ ہے. آئیے ذرا ایک اور میں یاد آ رہا ہے, حالانکہ چاہ رہا تھا کہ چھوڑ دوں لیکن دل چاہتا نہیں کہ چھوڑوں, کیا چھوڑوں کیا پکڑوں یہ مشکل ہے میرے لیے. ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ, میں نے بھی نام لیا. ان کا عالم کیا ہے؟ جنگل میں ویرانے میں رہتے, آبادی سے دور, امیروں سے محبت نہیں, پیسے والوں کی طرف راغب نہیں ہوتے, کوئی آتا ہے نذرانہ دیتا ہے تو قبول نہیں فرما. سادگی زندگی ہے, دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی, وقت کا ایک امیر قبیل شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے, ساتھ میں غلاموں کا جمع غفیر ہے, دست بوسی کی اور اس کے بعد کچھ سونے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیاں حضرت کی طرف بڑھاتا ہے. حضور یہ میری طرف سے نظر قبول فرمائے. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور یہ حقیر سا تحفہ ہے. کہا ہاں تحفہ تو ہے لیکن اس میں ہے کیا؟ کہا حضور اس میں سونے کے سکے ہیں. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا تجھے درویشوں سے نفرت ہے یا ان سے کوئی دشمنی ہے؟ کہا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. فرمایا دنیا اور دولت درویشوں کے لیے دشمن کی معنی ہے, یہ درویش کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جا اس دولت کو لے جا, یہ دولت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں, آپ کو یہ تو قبول کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. پھر اصرار کیا, آپ انکار فرماتے رہے, اصرار بڑھتا رہا, انکار فرماتے رہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آبادی سے
سے دور جنگل میں رہا کرتے تھے, آبادی نہیں ہے وہاں پر. جب یہ بار بار اصرار بڑھا, اب آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی. ہاتھ پکڑتے ہیں, باہر تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد فرماتے ہیں تو ہمیں دنیا کی دولت کیا دکھاتا ہے. دیکھ, اب جیسے ہی نگاہ اٹھائی, جہاں تک نگاہ جاتی ہے پوری زمین اور پورا صحرا سونے کی نہر بن چکا ہے, اور سونا نہر کی مانند بہتے ہوئے نظر. کہتے ہیں اللہ نے ہماری ٹھوکروں میں وہ طاقت دے دی ہے کہ ہم زمین پہ ٹھوکر مار دے تو وہ سونا بن جاتی ہے. یہ دولت تو ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ وہ معافی مانگتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے حضور مجھے اپنی طرح بنا لیجئے. اب ترک دنیا کر کے حضرت کی غلامی میں آتا ہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے, یعنی غریب نواز کے دادا پیر. تو جس کا دادا پیر یہ, جس کا پیر و مرشد اتنے بلند پائے کا, اور حضرت ابراہیم ابن ادم جو دادا لکڑ دادا پیر ہے, ان کا ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 مجلسیں چاہیے ابراہیم ابن ادم کے لیے. اگر ابراہیم ابن ادم کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو تو جس وقت میری ایک کتاب نکلتی تھی جس کا نام تھا ریاض الجنہ, قسطوں میں میں نے وہ حضرت ابراہیم ابن ادم کو اس وقت لکھا تھا, اور غالباً 6 قسطیں اس وقت چھپی تھی, 6 قسطیں. تو اس کے بعد بھی مضمون کتنے تھے. تو یہ ایسا سلسلہ ہے, ایسے مہتاب اور ایسے آفتاب ہیں اس سلسلے میں, کہ جس کا ذکر کیجیے روشنی ہی روشنی پھیلتے ہوئے نظر آتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی حکومت میں سلجوکی جس کو ایک خاندان کہا گیا اس کی حکومت تھی. سلجوکیوں کی حکومت ایران راجدھانی ہے, اور ایران کے قریب ایک قصبہ جس کا نام خراسان آتا ہے, اور بعض لوگوں نے خراسان کا نام سجستان بھی بتایا. مختلف اختلافی روایتیں ہیں, خراسان پر ایک زیادہ اتفاق ہے. خراسان کا ایک قصبہ ہے, ایک محلہ ہے جس کا نام ہے سنجر. یہاں ایرانیوں کی حکومت. ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر بغاوت کی سنجر میں, اور خراسان میں جب بغاوت ہوئی تو ایران کے سلطان نے اپنے جنرل کو بھیجا, جاؤ اس بغاوت کو دبا کر آؤ. چنانچہ وہ پہنچا جنرل, لیکن وہ بغاوت کو نہیں دبا پایا, شکست ہوئی, اور خراسان کے لوگوں نے مار کاٹ کے بھگا دیا. دوسرے پھر ایک سردار کو بھیجا سلطان نے ایران کا, سلجوکی شہنشاہ نے بھیجا, وہ بھی شکست ہوا. آخر میں مجبور ہو کے اپنے بھائی جس کا نام سنجر ہے, اب یہ سنجر اس کا نام کیوں تھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, سنجر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خراسان کی بغاوت کو دبا دو. سنجر نکلا, 20,000 کی بڑی فوج ہے اس کے پاس, بڑا بہادر اور قوی, بڑے مضبوط باہوں کا مالک, تلوار کا دھنی, تیر اندازی کا شہنشاہ اپنے وقت کا, ایک کوہ ہمالہ ہے طاقت کے عالم. چنانچہ یہ سنجر نکلتا ہے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس پوری 20,000 کی فوج میں ہیضہ پھیل گیا. اور اس زمانے میں, آج ہیضہ کا علاج ہو جاتا ہے, اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں جب ہیضے کی وبا پھیلتی تھی تو آبادی ختم ہو جاتی, تباہ و برباد ہو جاتی تھی, مرنے لگتے تھے لوگ, اور بچانے کی کوئی صورت نہیں. بس احتیاط کا یہ پہلو ہوتا تھا کہ جہاں ہیضہ پھیلا ہے آپ اس آبادی میں جائیے مت, اور اس شخص کو جہاں ہیضہ پھیلا اس کو دوسری آبادی میں آنے مت دیجیے. یہی اس وقت کا طریقہ تھا بچاؤ کا, باقی کوئی طریقہ نہیں. سنجر بہادر تھا مگر ساتھ ہی رحم دل بھی تھا. تو اس نے کہا کہ خراسان کی بغاوت کے لیے ہم دبانے کے لیے جا رہے تھے, مگر اللہ نے یہ عذاب ہم پہ نازل کیا کہ ہم میں ہیضہ پھیل گیا, لہذا میں نہیں چاہتا کہ خراسان ہم جائے اور وہاں کی آبادی میں بھی ہیضہ پھیلائے. بس اس جنگل اور ویرانے میں قیام کرو اور یہیں پر اپنی موت کا انتظار کرو. اگر ہم کسی کو بچا نہیں سکتے تو کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے, ہم اب کسی آبادی میں نہیں جائیں. 20,000 کی یہ فوج نے پڑاؤ ڈال دیا, روزانہ 20, 25, 30, 100, 150 مر رہے ہیں, وہیں اٹھاتے ہیں وہیں دفن کرتے ہیں, علاج کی کوئی تدبیر نہیں. اب ساتھ میں جو حکیم تھے, جو اطبا تھے, طبیب تھے, جو فوج کے ساتھ چلتے تھے, وہ حکیم بھی مر چکے, اب جو رہی سہی تھوڑی بہت عمر تھی وہ بھی ختم. نوبت یہاں تک آ گئی کہ سنجر جو یہ سردار تھا, سلطان کا بیٹا, ایران کے شہنشاہ کا بھائی, بیٹا نہیں بھائی معاف کرنا, سلطان کا بھائی, نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بھی ہیضہ ہوا, الٹیاں ہونا شروع ہوئی. تبھی کچھ دور پر ایک گرد و بار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے, نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ کوئی تاجروں کا قافلہ ہے جو خراسان کی طرف جا رہا ہے. راستہ ہوئی, سنجر نے ایک شخص کو بلایا, اپنے خادم کو کہا دوڑ جا کے اس قافلے والے سے کہو کہ ادھر نہ آنا, راستہ بدل دو.
कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से गुजरो तुमने भी हैजा फैल जाए। सिपाही दौड़ा और जाने के बाद दूर से चिल्लाता है, लोगों वापस जाओ, पास में कुछ एक लश्कर है, लश्कर जर्रार हैजे की बला में मुब्तला है, लौट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी हलाक हो जाओ। कई सौ हम में मर चुके हैं अफराद। उस लश्कर में से एक नौजवान बाहर निकलता है, हसीन और जमील चेहरा, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत जुल्फे, सुन्नत के मुताबिक लिबास है, सर पे इमामा है, जुल्फे कानों तक लटक रही है, हुस्न जमाल का एक पैकर। नौजवान आगे बढ़ता है, कहा कि कहाँ है वो फौज, कहा आप लौट जाइए, कहा मैं लौटने के लिए ही नहीं आया हूँ, जब मैं कदम आगे बढ़ा देता हूँ तो पीछे नहीं लेता। कहा आप चाहते क्या है, कहा मुझे अपने सरदार संजर से मिलाओ। कहा कि नहीं, उन्होंने मना किया, आपको हैजा हो जाएगा, आप मर जाएंगे। कहा मैं तन्हा चलूँगा और ये जितना लश्कर है मेरा, मेरा ये जो ताजिरों का काफिला है ये नहीं चलेगा, यहीं रहेगा, मैं तन्हा चलता हूँ, अगर बला आएगी तो मैं तन्हा उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों फिक्र करते हो। जब उस नौजवान ने इसरार किया तो ये सिपाही ने साथ ले लिया। संजर के पास लेके पहुँचता है तो संजर कहता है, नौजवान तुमने क्यों तकलीफ की, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि यह हैजा तुम्हें भी लग जाए। नौजवान मुस्कुराता है, कहता है कि क्या एक गिलास पानी मिल सकता है, एक प्याला पानी। का यहाँ का पानी भी मत पीजिए आप, ये पानी वो है जिसको हैजे के मरीजों ने छुआ है, इसको ये हैजे का जो मरीज है ये सब छू रहे हैं उस पानी को, पी रहे हैं, आप मत पीजिए। नौजवान ने कहा नहीं नहीं मुझे लाके दो पानी, इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं दूंगा। एक गिलास पानी लाकर दिया, नौजवान ने घुट पिया, पीने के बाद कुछ पड़ता और उस पर फिर दम कर दिया और फरमाते हैं उसके बाद वो नौजवान कि तुम्हारे पास जो पानी के जखीरा है, जिस बर्तन में पानी रख रहे हो, ये पानी उसमें मिला दो और पूरे लश्कर को एक एक घूट जितना मैसर आता है सब पिला दो। कहा इससे होगा क्या, कहा देखिए तो। वो जो नौजवान ने घुट पानी पिया और वो एक प्याला पानी फिर उस पूरे पानी में मिलाया गया और जब पूरे लश्कर में पानी तकसीम किया जाता है, जैसे ही जिस जिसके शिकम में पानी जाता है हैजे की बीमारी से वो शिफायाब होते नजर आता है। देखते ही देखते पूरा लश्कर सेहतमंद हो गया। संजर ने जब ये देखा तो बड़ा खुश हुआ, कीमती जेवरात, कीमती कपड़े सब लेकर हाजिर करता, नौजवान तुमने हम सब की जाने बचाई, ये कबूल करो। आप फरमाते मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, यही मेरे लिए काफी है। नौजवान अपना तारुफ तो बताओ, कौन हो जिसकी जबान में अल्लाह ने ये तासीर रखी है, कौन हो कि जिसके पानी पीने की तासीर ये है। मैं उस पानी को झूठा नहीं कहूंगा कि उस पानी की बेअदबी है, इसलिए कि मोमिन का झूठा झूठा नहीं होता, ये तो वली कामिल है जिसने वो अपने लब लगाए हैं, जिसके लबों की तासीर ये है कि वो जिस पानी को छू दे वो पानी शिफा वाला बन जाए। नौजवान कौन हो, नौजवान अपना नाम बताता है, मेरा नाम सैयद कमालुद्दीन का बेटा गयासुद्दीन हूँ, यही है सरकार गरीब नवाज के वालिद गिरा, जिसके बाप का ये आलम, ये पूरा खानदान आफ्ताब महताब है। मैं कहा ना कि किसका इंतखाब करो और किसको छोड़ दो, ये गयासुद्दीन नौजवानी के आलम में लश्कर की जान बचाते हैं। आपने फरमाया संजर तेरा नाम संजर क्यों है, तो कहता है कि मेरा नाम संजर इस बिना पर है कि मेरे वालिद ने खरासान पर जब हमला किया था इसको कब्जे में लेने के लिए, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग हुआ करते थे, उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद को समझाया और कहा कि जंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंसाफ पसंद है तो मैं खरासान के हाकिम से गुफ्तगू करता हूँ, इलाका हम वैसे ही सौंप देंगे, लिहाजा बगैर जंग के इलाका सौंप दिया गया था। वालिद गिरामी इससे बड़े खुश हुए और इस इलाके को उन्होंने बगैर तलवार के फतह किया था, लिहाजा इस इलाके से उनको ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक इतनी मोहब्बत रही कि जब मेरी विलादत हुई तो इसी इलाके की नस्बत से मेरा नाम संजर लग गया। आपने कहा कि वो कौन बुजुर्ग थे जिन्होंने ये मुआहदा करवाया था और मुसलमानों में आपस में जंग करने से रोक दिया था एक दूसरे को, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग का हुलिया ये है, हज़रत गयासुद्दीन फरमाते वो मेरे वालिद गिरामी सैयद कमालुद्दीन थे, इस बिना पे वो संजर था। तो सरकार गरीब नवाज के वालिद हज़रत गयासुद्दीन इसी संजर की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज की विलादत 537 हिजरी में होती है। आपकी वालदा का नाम अम्मुल वरा, अम्मुल वरा नाम था। आप अपनी तमाम बहनों में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए घर के लोग माहे नूर कहकर पुकारा करते थे। माहे नूर यानी चांद की रोशनी की मानी, जिसका हुस्न चांद की तरह है। आप फरमाती है अम्मुल वरा
सीरुल अख्ताब जो किताब है उसके अंदर ये वाक्या नकल किया। इस किताब के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना अशा शेखुल इस्लाम अल्लाह दिया चिश्ती रहमतुल्लाह ताला, इनमें जितने हवाले दे रहा हूँ ये सब मुस्तनद किताबों से। तो ये उस किताब में फरमाते हैं उम्मुल वरा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा का बयान, जो फरमाती है जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम में आए तो कसम वहदहु ला शरीक की मैं अपने शिकम में मोइनुद्दीन के कलमा पढ़ने की आवाज़ों को सुना था। ये पैदाइशी मादरजाद आदि तो जाहिर है। दो शंबे के दिन आपकी विलादत हुई पीर का दिन, और बड़ी अजीब इत्तेफाक है यहाँ पर, बाप की तरफ से सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से जाकर मिलता है, हुसैन ने बाप की तरफ से, वालदा की तरफ से सिलसिला इमाम हसन से जाकर मिलता है, नजीबुत्तरफैन सैयद है, दोनों तरफ से खानदान सैयद है। और इत्तेफाक ये है कि अपने जद्दे करीम की सुन्नत ऐसी अदा करते हैं, 13 रजब तारीख है विलादत मौलाए कायनात अली मुर्तजा की, और 14 रजब है आपके शहजादे मोइनुद्दीन अजमेरी। अपने बाप से एक दिन बाद पैदा हुए। दोशंबा तारीख दिन है विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पीर का दिन जिसको हम कहते हैं फारसी में दोशंबा कहते हैं, और वही विलादत का दिन है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और रजा अकेडमी में उस दिन प्रोग्राम हुआ था तो मैं एक बात कह गया था, दिल चाह रहा है कह दूं, क्योंकि हमारे इश्क का मरकज़ है वो दात, हमारे इश्क का मरकज़ है वो दात। वो कौन? सरकार ताजुलौलिया, सिलसिला चिश्तिया के ही बुजुर्ग है, चिश्ती सिलसिले की नस्बत है। सरकार ताजुलौलिया ने तो सुन्नत को ऐसा अदा किया कि सिलसिला चिश्तिया में शायद ही कोई ऐसा बुजुर्ग गुजरा। विलादत सरकार ताजुल औलिया की होती है पीर के दिन, नबी पाक की विलादत भी पीर के दिन। ताजुल औलिया की विलादत है सुबह सादिक का वक्त, नबी पाक की विलादत का वक्त भी है सुबह सादिक। ताजुल औलिया का विसाल होता है पीर के दिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफात भी है वो पीर के दिन। विसाल का वक्त है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मगरिब का वक्त, ताजुल औलिया का भी वक्त है मगरिब का। बस एक फर्क छोड़ दिया ताजुल औलिया ने, वो ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जितने अय्याम हैं वो है 63 साल गालिबन 13 दिन, और ताजुल औलिया की जिंदगी के अय्याम है 63 साल 12 दिन। तो अब यहाँ हिकमत देखिए। अब मैंने एक बार गौर किया इसको, मैं जब पढ़ा और मैं सोच रहा था ये विलादत के तालमेल, मैंने दिल में ख्याल किया ताजुल औलिया कुरबान आपके, जब सारी चीज़ों में सुन्नत अदा की तो यहाँ क्यों नहीं की, 63 साल 13 दिन क्यों नहीं, 12 क्यों? फरमाया 2, आलम अरवाह से गोया जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलाम सुन, इसमें भी सुन्नत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक ऐसा जमाना आएगा जो नबी से बराबरी का दावा करेगा। मैं एक दिन पहले इसलिए विसाल कर रहा हूँ, बाकी तो सुन्नतें हो जाए और दिन नबी के बराबर ना हो, कि जब मैं ताजुल औलिया होकर नबी के बराबर नहीं हो सकता तो ये फटीचर का रसूलुल्लाह के बराबर है। मैं औलिया का ताजदार होकर नबी की बराबरी करने की जरूरत नहीं कर रहा हूँ, इन्हें हिम्मत कैसे होती है कि नबी को अपनी तरह कहते हैं। ये इश्क की बात है, मैं नहीं चाहता और वहाबियों को हजम होंगी भी नहीं, उनको हजम करवाना भी नहीं, हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाई। अरे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाए, हम इश्क के बंदे। अब आइए सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती जो ताजुल औलिया के सरदारुल औलिया है, और ताजुल औलिया का बड़ी खास ताल्लुक है गरीब नवाज से, बड़ी खास नस्बत है, ये एक अलग टॉपिक है, अभी वो मौसम ही नहीं है, वरना फिर ताजुल औलिया और निज़ाम गरीब नवाज के तालमेल बताऊँ तो उस पर 2 घंटे लग जाते हैं, अब क्या क्या छोड़ूंगा। 9 साल की जब उम्र होती है सरकार गरीब नवाज की तो आप पूरे मरवजा उलूम से फारिग हो जाते हैं। 9 साल का बच्चा बात नहीं करता, मगर गरीब नवाज का आलम क्या है, 9 साल में आप फारिग तहसील हो गए, इल्म हदीस उसूल फिका जितने उलूम थे सबसे आप फारिग। वालिद गिरामी खुद अपने वक्त के आलिम दीन से हिफ्ज कुरान अपने वालिद से फर्क किया, वालिद की विरासत में पंचक्की थी और एक बाग था अंगूरों का। 15 साल की उम्र में सरकार गरीब नवाज के वालिद का विसाल होता है। बचपने के वाकयात में छोड़ रहा हूँ यहाँ तक मोइनुद्दीन अजमेरी के। 15 साल में जब विसाल हो गया, 15 साल की उम्र थी जब आपकी, तो वालिद से विरासत में वो पंचक्की आई जिसमें आटा पीसा जाता था, पानी से वो चक्की चलती थी और अंगूरों का बाग। अब ये एक नई चीज़ बता रहा हूँ और इसके लिए मैं हवाला दे दूँ
سیرت غریب نواز جو حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم قادری کی تصنیف ہے اور حضرت خواجہ محمد بندہ گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی سے روایت کرتے ہیں. اس میں نقل کرتے ہیں کہ جب غریب نواز 15 سال کی عمر میں باغ میں جب جانے لگے تو آپ کی عادت کیا ہے, آپ باغ میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں, پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنا جی چاہتا ہے تلاوت قرآن کرتے بہترین انداز میں قرآن فرماتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے اٹھتے پھر دیکھے کہ چلو باغ کی صاف صفائی کریں باغ کی دیکھ ریکھ کریں تو بڑے متعجب ہوتے کہ باغ پہلے سے صاف ستھرا ہے, اور جب پھل پک جاتے تو آپ چاہتے کہ میں جاؤں اور پھل توڑوں تو پھل خود بخود ٹوٹ کے ٹوکروں میں گرنے لگتے, ٹوکرے اونچ ہوا میں بلند ہو رہے ہیں, پھل اس میں گر رہے ہیں, کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا ہے, بڑے متعجب ہوئے. کچھ دن تو یہ ماجرا رہا, اپنی والدہ سے آپ کہتے رہے یہ بات, والدہ کوئی جواب نہ دے سکی. ایک دن والدہ کہتی کہ معین الدین اب ایسا منظر دکھے تو تم پکار نہ کہ تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتے. ماں کی نصیحت پہ عمل کیا, پہنچے دیکھا تو پھل ٹوٹ رہے ہیں, ٹوکروں میں جمع ہو رہے ہیں, باغ میں جو پتیاں سوکھ کے گری ہوئی ہیں وہ خود صفائی ہو رہی ہے مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آتا. آپ نے پوچھا جو تم کوئی بھی ہو تو سامنے ظاہر کیوں نہیں ہو, ظاہر ہو جاؤ. جب جملے فرمایا تو 6 بڑے قوی اور مضبوط باہوں کے مالک 6 اشخاص سامنے ظاہر ہوتے ہیں. بڑے ادب سے سلام کیا, دست بوسی کی, قدموں کو بوسا دیا. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو وہ 6 کے 6 کہتے ہیں حضور ہم قوم جن سے. کہا یہ بات کی یہ سب کرنے کی ضرورت؟ کہا حضور ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے, آپ کی قرأت سنی, ہم نے روئے زمین پر ایسا قاری آج تک نہیں دیکھا. ہم روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قرأت سنتے ہیں, اور جب سے ہم نے آپ کی قرأت سننے کا معمول بنایا اسی دن سے ہم خود باغ کی صفائی بھی کرتے تاکہ آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ کلام الہی تلاوت کریں, ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں. یہ معین الدین اجمیری کا مقام ہے کہ جنات ان کے خادم ہیں. ابھی تو ابتدائی منزل ہے معین الدین اجمیری کی. تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر ہوئی تو وقت کے ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب وقت ہے, گھومتے پھرتے باغ میں تشریف لاتے ہیں. معین الدین اجمیری کا معمول ہے کہ جو بھی آتا ہے باغ میں کوئی بزرگ مشائخ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی اس مجذوب کو دیکھا, ہاتھ پکڑا, اپنے باغ میں لے آئے, بٹھا دیا ایک کونے میں. حضرت نے فرمایا بھوک لگی ہے کچھ کھلاؤ. گئے انگوروں کا کچھ خوشے بہترین میٹھے انگور توڑتے ہیں, اور توڑنے کے بعد ایک پلیٹ میں رکھا, حاضر بارگاہ کر دیا. حضرت ابراہیم قندوزی یہ خراسان کے رہنے والے نہیں تھے, یہ رہنے والے تھے نیشاپور کے, اور یہ خلیفہ اور مرید تھے حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے, جو غریب نواز کا دادا تھے. اور ابھی غریب نواز نے حاجی شریف زندنی اور خواجہ عثمان ہارونی کا بھی نام بھی نہیں سنا, یہ تو اپنے دنیا میں مشغول ہے ابھی خواجہ معین الدین چشتی. چنانچہ یہ حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں اور اس کے بعد انگور لیتے ہیں. پہلا انگور اٹھایا, کھایا اور ایک جملہ فرمایا, اس میں غیاث الدین کا تقویٰ ہے. پھر دوسرا انگور اٹھایا, پھر کھایا, کہا اس میں ام الورا کا زہد ہے, زہد کہتے عبادت کی اعلیٰ منزل. پھر ایک انگور اٹھایا, اس کو پھر کھایا اور فرمایا اس میں معین الدین کی محنت کا ثمرہ ہے. بڑے متعجب یہ کہتے ہیں حضور میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کو بزرگ سمجھ کے باغ میں لے آیا, آپ میرے باپ کو بھی جانتے ہیں, میری والدہ کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, یہ معاملہ آپ سمجھائیے کیسے آپ مجھے جانتے ہیں. فرمایا معین الدین ہم تو اس سے زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں, اور ہم تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم پر سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک ان کے پاس تھیلی تھی پھٹی پرانی سی, اس میں سے خلی نکالتے ہیں. اب یہ لفظ فارسی کا خلیل, خلی خلی, اب یہ خلی کیا ہے؟ خلی سرسوں کا جو پھول ہوتا ہے اس کا بھوسی سے ایک روٹی بنائی جاتی ہے, اب نہیں کھاتے لوگ, یہ بزرگوں کی غذا ایسی جو ہوتی ہے. یا تو تل کی تلی جو ہوتی ہے تل, اس کی بھوسی سے روٹی بنا لیجئے تو اس کو خلی کہا جاتا ہے, یا سرسوں کے پھول کی بھوسی جو نکلتی ہے اس کو خلی کہتے ہیں. چھوٹا سوکھا ٹکڑا نکالا خلی کا, اس کے 2 ٹکڑے کیے. کہتے ہیں معین الدین حاجی شریف زندنی نے مجھ سے کہا تھا, یہ ٹکڑا روٹی کا دیا تھا, کہا کہ یہ اس شخص کا حق ہے جو اس کے لائق ہے,
और इब्राहिम इसको तलाश कर, जब तू उसको पालेगा तो खुद जान जाएगा कि उसका हकदार कौन है, ये उसको अता कर देगा। आज मेरा दिल कह रहा है कि इसके हकदार तुम ही हो, लो इस टुकड़े को खा लो, तुमने हमारी खातिर की, हमारा भी फ़र्ज है कि हम तुम्हारी कुछ खिदमत करें। उस खली का आधा हिस्सा किया, आधा खुद खाया, आधा मोइनुद्दीन चिश्ती को देते हैं। सरकार मोइनुद्दीन ने जैसी उस खली के टुकड़े को खाया, दिल की दुनिया बदल चुकी थी, एक लाख दुनिया से नफरत पैदा हो गई। सीधा उसके बाद आप बाजार तशरीफ लाते हैं, ऐलान करते हैं, लोगों कौन है जो मेरा बाग खरीदे। कुछ अमीर कबीर आगे बढ़े, कहा कि हम आपका बाग खरीदने के लिए तैयार है। बोली हुई, आखिरी बोली जहां पर रुक गई उस कीमत में बाग फरोख्त किया, पंचक्की फरोख्त किया, सब बेच दिया, पूरा माल और असासा और रुपया लेकर ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं और आने के बाद बाजार में बीच चौराहे पर रख देते हैं और के बाद इरशाद फरमाते हैं, लोगों जो इसका मुस्तहिक है वो आए और ये लेके चले जाए। पूरा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। यहां से बात और एक जहन मिलता है कि बुजुर्गियत की इब्तिदा तर्क दुनिया से शुरू होती है और ये नामुमकिन है कि कोई ऐशो इशरत में भी रहे और समझे कि मैं अल्लाह का वली हुआ, मैं बुजुर्ग हूं, ये मुमकिन नहीं है। एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसके लिए मैं एक हवाला भी दे देता हूं, मैं हवाले से बात करता हूं। अवारिफुल मारिफ, ये किताब है हजरत ख्वाजा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब वो है जो बारगाह गौसे आजम में पेश की गई है, तसव्वुफ की वो मारकतुल आरा किताब है, अवारिफुल मारिफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है वो किताब, जो दिलचस्पी रखते हैं उसका मुताला करें। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जिसने अवारिफुल मारिफ नहीं पढ़ा उसने तसव्वुफ की ते को भी नहीं समझा। और आप अपनी मजलिस में दर्द देते रहे। अवारिफुल मारिफ में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, विलायत के 100 दर्जे हैं, विलायत के 100 दर्जे हैं, हर दर्जे की इब्तिदा तर्क दुनिया से शुरू होती है, दुनिया को छोड़। तो आप देखेंगे जितने औलिया गुजरे हैं, जब वो विलायत की मंजिलों पे कदम रखते हैं तो सबसे पहले दुनिया तर्क करते हैं। और सिलसिले चिश्तिया को अगर आप देखें, ख्वाजा हजरत इब्राहिम इब्ने अदम है, ये बल्ख के बादशाह थे और शहंशाह थे, जब दुनिया को तख्त को ठोकर मारी विलायत की आला मंजिल पर फायद हुए। गरीब नवाज तो ठोकर मारी दौलत को, विलायत की आला मंजिल पर फायद हुए। हजरत ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिमना को ठोकर मारी तब विलायत की आला मंजिल पर पहुंचे। ये सिलसिले चिश्तिया की कड़ी मिलेंगी कि इस सिलसिले में अपने वक्त के ताजदार भी हैं, अपने वक्त के शहंशाह भी हैं, मगर जब विलायत की मंजिलों पर कदम रखते हैं तो पहले दौलत और दुनिया को ठोकर मारते हुए नजर आ, सब कुछ फरोख्त किया। और उसके बाद आप खरासान से निकलते हैं। जब खरासान से आप निकले, एक वादी में आप इबादत कर रहे हैं और ये जमाना वो है, हजरत गरीब नवाज की उम्र 17 साल है उस वक्त जब आपने बाग फरोख करके, हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ईफ़ी का वक्त है। और यहाँ एक बात और बता दूं कि सरकार गौसे आजम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह रिश्तेदार है। किस तरह से हजरत गौसे आजम मामू होते ख्वाजा गरीब नवाज, और रिश्ता क्या है, सरकार गरीब नवाज की वालदा उम्मुल वरा सगी चचाजाद बहन है गौसे आजम, सगी चचाजाद बहन, किस नस्बत से मामू है। कि खरासान में जिन दिनों सरकार गरीब नवाज रियाजत और मुजाहिदी की मंजिलों से गुजर रहे थे, उसी जमाने में सरकार गौसे आजम ने बगदाद में मिंबर पर ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम औलिया की गर्दन पर है, मेरा ये कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है। जैसे ही ये ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने ख्वाजा हजरत गौसे आजम की आवाज को तमाम औलिया तक पहुंचाया। खरासान में मोइनुद्दीन अजमेरी के कानों में आवाज जाती है और जब आवाज पहुंची तो दुनिया में जितने औलिया थे सबने कहा, बेशक आपका कदम हमारे कांधों पर है, सद्दकता या शेख आपने सच फरमाया, आपका कदम हमारे कांधों पर, मगर आप गरीब नवाज और मोइनुद्दीन अजमेरी की फरमाबरदारी पे कुर्बान जाए, आप झुकते हैं हद रुको और हद सजदा तक। और उसके बाद एक जुमला फरमाते हैं, अय शेख आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर पर, मेरी आंखों पर, मेरी पलकों पर। जब ये जुमला फरमाया, खरासान कहाँ है, बगदाद कहाँ है, बहुत मीलों का फासला है, ख्वाजा गरीब नवाज वहां गौसे आजम की आवाज सुनते हैं, फरमाबरदारी करते हैं और वही मंजर को गौसे आजम बगदाद से मुलाहिजा करते हैं और इरशाद फरमाते, लोगों गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने फरमाबरदारी में हद दर्जे मुबालगा किया, अन करीब बारगाह गौसे से हिंदुस्तान की विलायत से नवाजा जाएगा।
ये हिंदुस्तान की विलायत सदका है गौसे आजम का जो बारगह रिसालत से अता हुआ है। अल्लाह के नबी भी किसी के वसीले के बगैर किसी को नहीं देते। वसीला है या गौसे आजम अता करने वाले हैं रसूल आजम। खरासान की इन वादियों से आप निकल कर और उसके बाद आगे सफर और दूसरे इलाकों की तरफ निकलते हैं कि उलूम बातरी और जाहिरी को मजीद इजाफा किया जाए। रास्ते में आप जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, एक मकाम पर दो शख्सों से मुलाकात होती है। उन्होंने सलाम किया, कहा कि ऐ मुसाफिर, हम भी मुसाफिर हैं, हमारे पास कोई चीज़ सामान नहीं है, हम भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, आपके पास रोटी हो तो दे दीजिए। सरकार गरीब नवाज के पास जो कुछ उस वक्त मैसर था, खाने की अशिया, सब कुछ उनको दे दी। फिर वो दोनों नौजवान कहते हैं कि ऐ शख्स, ऐ मुसाफिर, तुमने खाना तो खिला दिया लेकिन आगे के सफ़र हमें और करना है, हमारे पास कुछ रुपये पैसे नहीं है, ज़रूरत महसूस होंगी, अगर तुम्हारे पास कुछ रकम हो तो वो भी दे दो। सरकार गरीब नवाज ने पूरी रकम भी दे दी। वो दोनों रकम लेते हैं और हंसते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नौजवान तो पागल मालूम होता है, खाना भी पूरा दे दिया, माल भी पूरा दे दिया, अब बगैर ये जाने कि हम कौन हैं, अब दे दिया तो सुन, हम इस एरिए में, इस इलाके के डाकू हैं, हम यहाँ लोगों को लूट लेते हैं, उन्होंने तो खुद ही अपने आप को लुटवा दिया, अब आगे सफ़र कैसे करोगे, जब तुमने दौलत दे दी, खाना दे दिया, तो ये ख्याल नहीं किया कि आगे तुम्हारा क्या होगा। आप फरमाते, इसकी फिक्र ना करो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वीराने में मेरे जरिए तुम्हें रिस्क दिला सकता है, क्या वो मुझे फरामोश कर देगा? वो कैसे मुझे फरामोश करेगा? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे उन्होंने सुना, कहा मोइन, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। कहा मोइनुद्दीन, आज से हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करते हैं, अफसोस कि हमने अब तक खुदा की रहमत को पहचाना ही नहीं। ये दो डाकू, ये पहले तायब है जो सरकार मोइनुद्दीन के हाथ पे तौबा करते हैं। अब तौबा करने वालों का तो इतना सिलसिला है कि उसका हाथा मौर्रिक और कोई मुसन्निफ कर ही नहीं सका है आज तक, इतना तौबा करने वालों का है। खरासान से निकल कर आप बगदाद पहुँचते हैं, सरकार गौसे आजम से मुलाकात हुई और उलमा फरमाते हैं, मशाइख उज़्ज़ाम लिखते हैं कि दो माह सरकार गौसे आजम की खसूसी सोहबत में आपने गुजारा और इन दो माह में क्या क्या नवाजिशात हुई, वो तो आप देने वाला जाने और लेने वाला जाने। बगदाद से सफ़र करके निशापुर तशरीफ़ लाते, ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहते, हुज़ूर अपने ग़ुलामी में कबूल कीजिए, मुझे बैत फरमा लीजिए, इसलिए कि कुरान अजीम का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वाब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो, मुझे वसीला चाहिए आपका। आजकल लोग बोलते हैं यार पीरी मुरीदी की क्या ज़रूरत है, एक सवाल है। मैं कहता हूँ यार हमसे मत पूछो, गौस पाक से और गरीब नवाज से पूछो, इनको पीर की क्या ज़रूरत है? अरे जब इन इल्म के हिमालों को ज़रूरत है तो हम जैसे फटीचरों को ज़रूरत नहीं है पीर की? हमको भी ज़रूरत है भाई, और कुरान के हुक्म में वसीला तलाश करो। तो इस आयत पे मैं अमल करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, मुझे मुरीद फरमाइए, बैत फरमाइए। आज के पीर साहब होते तो अरे ऐलान करो हम आए हैं, मुरीद हो जाओ, वो उस वक्त के पीर थे, आज के पीर नहीं थे। आपने कहा हमारे यहाँ रियाजतें हैं, मुजाहिदे हैं, उसके बाद फिर बैत किया जाता है, हम ऐसे नहीं करते मुरीद। तवज़ुर फ़कीर तैयार, हाथ पकड़ा, एक वीरान में लेकर आते जंगल में और एक रिवायत है कि कुठिया में बिठाया अपने हुजरे की, अमनुद्दीन यहाँ इबादत करो, रियाजत करो, सौम्य विशाल के रोज़े रखो। सौम्य विशाल के रोज़े क्या है? खजूर को दे दिया गया है, सहरी में चाटना रख दो, इफ्तार में चाटना रख दो, खाना नहीं है, यह सौम्य विशाल, और ये बेमुद्दत होता है, कई दिन तक कई दर पर ऐसे ही रोज़े रखे ख्वाजा गरीब नवाज ने, गशी तारी हो गई, बेहोश हो गए, कितने दिन भूखे रह सकते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी सिराने तशरीफ लाए, होश में आया, देखा पीर और मुर्शिद बैठे हुए, सर जो है पीर की जानो मुबारक पे रखा हुआ, आंखें खुली, खजूर अपने हाथ से खिलाई, पानी अपने हाथ से पिलाया, मोइनुद्दीन तुम्हारा चिल्ला ख़त्म हुआ, आज अब हम तुम्हें बैत करेंगे। हाथ पकड़ा और उसके बाद फिर लेके चलते बगदाद आते हैं। बगदाद में अब ये वाकया किसी आलिम ने नहीं लिखा, किसी मुसन्निफ ने नहीं लिखा, इसके लिखने वाले खुद गौस हज़रत गरीब नवाज है। ये किताब है दलील आरिफीन, में इसकी झलक दिखा देता हूँ। इसकी जैसी किताब खोलिए, पहले सफ़े पर अपने मुरीद होने का ही वाक्य लिखा है, शुरुआती वहीं से किए। फरमाते हैं अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में, बगदाद की जो मस्जिद है वहाँ लेकर आते हैं, बिठाया और उसके बाद फरमाया मोइनुद्दीन वजू करो, दो रकात नमाज पढ़ो। कहते हैं कि मैंने पीर और मुर्शिद की हुक्म की तामील की, वजू किया, दो रकात नमाज पढ़ी,
उसके बाद फरमाया कुरान अजीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, जो अल्फाज के एतबार से मुख्तसर हो और मायने और मफाहिम के एतबार से वसी हो। सूरह इखलास फरमाया पढ़ो, कितना पढ़ूं, 1000 मरतबा। 1000 मरतबा जब मोइनुद्दीन ने सूरह इखलास पढ़ा, फरमाते मेरे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दो उंगलियों को आगे किया, मोइनुद्दीन मेरे उंगलियों के दरमियान देखो क्या देख रहे हो आप, फरमाते पीरो मुर्शिद इन दो उंगलियों के दरमियान अर्श आजम को मैं देख रहा हूँ। फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, फिर सूरह इखलास की तिलावत करवाई गई, फिर उंगली सामने लाई जाती है, देखो क्या देख रहे हो, हुजूर अजमत हिजाब देख रहा हूं। फिर 1000 मरतबा दूर सूरह इखलास पढ़ो, फिर तिलावत करवाई गई, फिर उंगलियों को आगा किया गया, क्या देख रहे हो, हुजूर तहतुस्सरा देख रहा हूं। फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, क्या देख रहे हो, फिर उंगली आगे की जाती है, और जब उंगलियों के दरमियान मोइनुद्दीन अजमेरी देखते हैं 4वीं मरतबा, कहते हुजूर 18,000 आलम अब आंखों के सामने रोशन हो चुके हैं, दुनिया माफिया की कोई ऐसी शय नहीं जो मेरी निगाह से छूट गई, मैं सबको जानता हूँ सबको देख रहा हूँ। ये तो मोइनुद्दीन अजमेरी का इल्म का आलम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या आलम होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का तो अंदाजा ही नहीं है। सारे लफड़े सारे झगड़े आला हजरत ने एक शेर में हल कर दिए, एक शेर में, और वो शेर क्या है, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूंगा, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूंगा। चनानचे पीर मुर्शिद की खिदमत में 20 साल का अरसा गुजारा। अब 20 साल कैसी खिदमत की, ये 20 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की ऐसी खिदमत की कि सर पर खाने का कभी हंडा होता या कभी पानी का हंडा होता और आप सफर में साथ होते, इस तरह खिदमत की। पीर मुर्शिद ने फिर खूब नवाजा, कुछ दरमियान के मैं वाक़ छोड़ रहा हूँ। 20 साल की सोहबत के बाद पीर मुर्शिद मक्का मौजमा लेकर पहुँचते हैं, खाने काबा का तवाफ हुआ, तवाफ होने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ा मोइनुद्दीन का और हजरे अस्वद के पास लाते हैं, और हजरे अस्वद के पास लाने के बाद अर्ज करते हैं मालिक कायनात मोइनुद्दीन को मैं तेरी बारगाह में तेरे हवाले करता हूँ। खाने काबा से आवाज आती है, हमने तेरे मुरीद मोइनुद्दीन को कबूल किया और खूब अच्छी तरह कबूल किया। फिर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने साथ फिर मदीना मुनव्वरा लेकर पहुंचते हैं। जब मदीने की हाजिरी हुई, बारगाह रिसालत में हाजिर होते, जैसे ही रोजे रसूल पर निगाह पड़ी, फिर मुर्शिद ने कहा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन रसूलुल्लाह का रोजा नजर आ रहा है, सलाम करो और अच्छे अलकाब के साथ सलाम करो। ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज़ करते हैं अस्सलाम वालेकुम या सैयदुल मुरसलीन, ऐ मुरसलीन के सरदार आप पर सलाम हो। कब्र अनवर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान बहरुबर, ऐ खुशकी और तरीके सुल्तान, ऐ खुशकी और तरी के शहंशाह तुझ पर भी हमारी तरफ से सलाम। अब यहाँ पर एक जुमला बड़ा तारीखी जुमला है, और वो जब जुमला मैंने पढ़ा बख्तियार काकी ने जो नकल किया जिस जज्ब और कैफ के साथ और जिस सुरूर के साथ, तो मैं उस पर एक नुक्ता मेरे उस वक्त जहन में आया वो अर्ज कर देता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी उस वक्त एक जुमला फरमाया जब बारगाह रिसालत से जवाब आता है कि मोइनुद्दीन तुझ पर भी हमारा सलाम हो सुल्तान बहरेबर, उस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन आज तू दर्जाए कमाल को पहुंचा है। क्या जुमला है, गौर करें आप, आज तू दर्जाए कमाल, जो कमाल का आखिरी दर्जा होता है, आज तू पहुंचा है। ये तो 20 साल बाद का वाक्य है, मैं ताज्जुब में पड़ गया। जब इब्तदाई मुलाकात थी 18,000 आलम रोशन थे, तो दर्जाए कमाल पर जब पहुंचे तो क्या क्या रोशन था, तो इब्तदाई मंजिल थी ना वो जब 20 साल पहले जब मुरीद किया तो 18,000 आलम दिखाए जा रहे हैं, और 20 साल के बाद कहा जा रहा है तू आज दर्जे कमाल पे पहुंचा, तो उस वक्त क्या मंजिल होगी। उसी वक्त बारगाह रिसालत से हुक्म होता है मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की विलायत तुम्हें अता की जाती है, हिंदुस्तान जो कुफरिस्तान है, हिंदुस्तान जहां कुफ्र शिर्क हो रहा है, वहां जाओ और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, इस्लाम की तरफ बुलाओ, तबलीग करो और उन्हें इस्लाम की तरफ रागिब करके उनको जन्नत के रास्ते पर गामजन करो। अब यहाँ से हुक्मे रसूल लेकर ख्वाजा गरीब नवाज आते, तो फौरन हिंदुस्तान तो नहीं पहुँच गए, हुक्मे रसूल के बाद अजमेर आने तक का ये दरमियानी अरसा 7 साल का अरसा है, 7 साल लग गए। अब इन 7 सालों में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, 7 साल में आप मुल्तान में सफ़र करते हैं, बुखारा जाते हैं, समरकंद जाते हैं, यहाँ के उलमा से इल्म हासिल करते हैं, और फिर हिंदुस्तानी जबान को आप सीखते हैं अफगानिस्तान आकर,
क्योंकि यहाँ की जबान संस्कृत थी उस वक्त, और मुसलमानों की जबान या तो फारसी, पर्शियन या अरबी होती थी, तो यहाँ के तो नहीं समझेंगे। सरकार गरीब नवाज ने अफगानिस्तान आके फिर हिंदुस्तानी जबान को सीखा। उन दिनों हिंदुस्तान में जो अजमेर पे हुकूमत थी, अजमेर जाने का हुक्म हुआ, और रिवायतें ये भी कहती है, बाद उलमा ने ये भी लिखा है कि अजमेर की ज़मीन भी ख्वाजा गरीब नवाज को दिखाई गई बारगाह रिसालत। चुनांचे वहाँ से जब आप निकलते हैं तो उस वक्त अजमेर की जो हुकूमत थी वो पृथ्वीराज चौहान की थी, आप जानते हैं। लेकिन मैं चंद वो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जो शायद आपने नहीं सुनी है, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी सुनते रहते हैं उलमा इकराम से। मेरी कोशिश होती है कि मैं नए गोशे लाऊँ और नई चीज़ें नई तहकी के सामने रखूँ। पृथ्वीराज की माँ थी, वो अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना थी, बहुत बड़ी जादूगर थी, इल्म नजूम पे महारत थी। उसने इल्म नजूम के बल पे जान लिया था कि एक फ़कीर हिंदुस्तान में आएगा और मेरे बेटे पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। चुनांचे एक दिन वो सो रही थी, हड़बड़ा के ख्वाब से बेदार होती। पृथ्वीराज को बुलवाया गया, कहती है बेटा मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा है, ख्वाब देखा है, फौरन दरबार मुनक्किद करो। दरबार मुनक्किद हुआ, ये महारानी आती है जिसका नाम सबीता तारीख में बयान किया गया, सबीता नाम था इसका, पृथ्वीराज की माँ। महारानी आती है और आने के बाद उसने कहा कि तुम सब जानते हो कि मैं इल्म नजूम की माहिर हूँ, ज्योतिषी विद्या में मुझे कमाल है, और मैंने अपनी ज्योतिष से ये पता लगाया है कि हिंदुस्तान की तरफ एक फ़कीर आ रहा है, ये आएगा और ये हमारे मजहब को तबाह बर्बाद कर देगा, मेरे बेटे पृथ्वीराज की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी जाए, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि उसको रोका जाए, अपने अपने आप तकबीर बयान करो। उसी मीटिंग में अजय पाल एक बहुत बड़ा जादूगर भी बैठा हुआ है। ये जादूगर वो है जो हुकूमत से जिसको नवाजा जाता है, तनख्वाह दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान उसको बड़ा मानता था, एक बहुत बड़ा महंत, एक बहुत बड़ा महात्मा जो इनके नज़दीक, बहुत बड़ा इनका पुजारी जिसका नाम राम प्रकाश है, वो भी बैठा हुआ है। चुनांचे सब दरबार में बैठे हुए हैं, राम प्रकाश खड़ा होता है, कहता है कि बहरानी साहिबा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने बताया कि एक फ़कीर आ रहा है, तो एक फ़कीर हमारी इतनी बड़ी हुकूमत को कैसे तबाह कर सकता है, एक फ़कीर से डरने की क्या बात है, हमारे दो चार सिपाही जाएंगे उसे कत्ल कराएंगे। कहा खामोश, तुझे नहीं मालूम उस फ़कीर में कितनी रूहानी कुवतें हैं, अगर पृथ्वीराज की पूरी फौज भी इसके मुकाबले में आ जाए तो उस पर गालिब नहीं आ सकती, उसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ धोखाबाजी और फरीब से ही मारा जा सकता है। चुनांचे एक वहां पर एक और बैठा हुआ है महंत, वो खड़ा होता है जिसका नाम भूटान है, भूटान और इलाका तो वहां के भूटान के बहुत बड़े ये जादूगर थे। वो कहता है कि मेरे पास एक विद्या है, ऐसे आर्टिस्ट लाए जाए जो किसी का हुलिया बताए तो तस्वीर बना सकते, जैसे आज भी होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हुलिया बताता है कि मुजरिम ऐसा था ऐसा, तो बना लेते स्केच करके। तो मैं ऐसी विद्या जानता हूँ कि मैं आँख बंद करूँगा तो उस फकीर को मैं देख लूँगा, मैं हुलिया बताऊँगा, उसकी तस्वीर बना ली जाए, चारों तरफ उस तस्वीरों को फैला दिया जाए और ऐलान कर दिया जाए जो शख्स इस शख्स को गिरफ्तार कर ले और उसको कत्ल कर दे उसको इनाम दिया जाए। चार मुसव्वीर, चार तस्वीर बनाने वाले हाजिर किए गए। भूटान बैठता है, उसने अपनी चालू की तपस्या जो भी उसका गुण था और उस गुण के हिसाब से उसने आँखें बंद की और ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल सूरत उसकी निगाहों के सामने आती है। हुलिया बताता है, चारों मुसव्वीर इसके बताए हुए हुलिया के मुताबिक तस्वीर बनाते हैं। जब चारों तस्वीर मिलाई गई तो आलम यह था कि चारों तस्वीर एक जैसी ही थी और गरीब नवाज की तस्वीर थी। उस तस्वीर की फिर बहुत सारी फ़ोटो की गई और वो फैला दी गई मुख्तलिफ कस्बों में, मुख्तलिफ सरदों में, कि इस फ़कीर को जहाँ पाओ फौरन कत्ल करो। पृथ्वीराज ने बहुत बड़ा इनाम का ऐलान किया। राम प्रकाश ये जो बहुत बड़ा महंत है और बहुत बड़ा जादूगर है, ये तनहा सरकार गरीब नवाज की खोज में निकलता है, तलाश कर रहा है, मारे मारे फिर रहा है। अचानक एक दिन इसकी नज़र पड़ती है, मुल्तान की सरहद पर मुलाकात होती है, तस्वीर निकाली, देखा और यही तो फकीर मालूम होता है। हुलिया बदला और हुलिया मुसलमानों की तरह बनाया, वैसे ये पंडित लोग वैसे भी दाढ़ियाँ रखते थे, कुर्ता पायजामा पहन लिया, टोपी पहन लिया, होलिया मुसलमानों का बनाता है और ख्वाजा गरीब नवाज के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मंडलाता रहता है। और इस दरमियान में एक खंजर उसने जहर में बुझा के तैयार किया। जब पूरी तैयारी हो गई तो
مسلمان بن کے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں, مرید ہونا چاہتا ہوں, مرید فرما لیجیے. حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ محل کا جو پلان ہے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتا, انتظار کس بات کا ہے؟ مہارانی نے جو تجھے حکم دیا, پرتھیراج نے جو انعام کا اعلان کیا اس پر عمل کیوں نہیں کرتا تاکہ انعام پانے؟ بس جیسے جملہ سنا بدن پہ تھرتھری کانپنے لگی, بغل میں خنجر چھپایا تھا, خنجر گر پڑا. کہتا حضور آپ نے کیسے جانے دیا؟ کہا یہ چھوڑ, یہ تو میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے. کہا جس رب نے آپ کو یہ علم دیا کہ اس راز کو آپ جان لے تو جو آپ کے آقا رسول اللہ ان کو کیا علم دیا ہوں گا؟ اسلام سچا مذہب ہے. ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام میں داخل ہوں. یہ رام پرکاش پہلا فرد ہے جو ہندوستان کی سرزمین کا جو اسلام قبول کرتا ہے, اور سرکار معین الدین اس کا نام ضیاء الرحمان تجویز فرماتے ہیں. اس کو پھر اس کو مرید فرمایا, اپنے ساتھ لے کر پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سیر کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. اب یہ آپ کا خادم خاص بن چکا ہے, نام ضیاء الرحمان ہے, اب رام پرکاش نہیں ہے. داتا گنج بخش لاہوری ہندوستان میں بہت پہلے آ چکے تھے. اس کے بعد ضیاء الرحمان کو ساتھ لیا, اپنے لاہور کی سرزمین پر آتے اور دو مہینے حضرت داتا گنج بخش لاہوری, جن کا نام تھا علی حجوری, ان کا نام داتا نہیں ہے, ان کا نام ہے حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے روزے پر چلا کرتے ہیں. جس جگہ حضرت معین الدین نے چلا کیا تھا آج بھی لاہور کی سرزمین پر وہ چلا ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے, اور وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں, فیوز و برکات لیتے ہیں. دو ماہ جب چلا کشی سے آپ فارغ ہوئے تو ان دو ماہ میں کیا چلوں میں آپ کو ملا؟ وہ داتا گنج بخش جانے اور لینے والا معین الدین جانے. جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے بے ساختہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر ایک فارسی زبان میں شعر کہا, وہ شعر میں پڑھتا ہوں. اور وہ شعر اس کے بعد ہی جو غریب نواز نے جملے کہے داتا گنج بخش لاہوری کا وہ لقب بن گیا. وہ شعر یہ تھا, آپ فرماتے ہیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش, گنج کس کو کہتے ہیں؟ گنج کہتے ہیں جہاں بہت چیزیں ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں, جیسے بولتے ہیں نا یہ اناج کا گنج, یعنی جہاں بہت سارا اناج رکھا جاتا ہو, یہ فلاں چیز کا گنج جہاں بڑی چیز. تو آپ کہتے ہیں کہ سرکار داتا گنج بخش لاہوری علی حجوری کا مقام وہ ہے کہ یہ فیض کا خزانہ ہے, گنج بخش یہ بخشش کا خزانہ ہے, گنج بخش فیض عالم جس کا فیض پورے عالم پر پھیلا ہوا ہے, مظہر نور خدا جو اللہ کے نور کا مظہر ہے. ناقصہ را پیر کامل, کاملہ را رہنما, یہ وہ ہے جو ناقصوں کو پیر کامل بناتے ہیں اور پیر کاملوں کے رہنما. یہ اشعار انہوں نے وہاں پڑھے, اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے, جن کو یہ شعر سے تکلیف ہو, کچھ لوگوں کو کیا ہے یہ ایسے چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یار یہ ولی کو تم نے کیا سے کیا بنا دیا, تو ڈاکٹر اقبال کو بہت لوگ مانتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجیے, اسی مضمون کو اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے دیوان میں, کل میں ڈاکٹر اقبال کے وہ شعر بھی سناؤں گا انشاءاللہ جو غریب نواز کی شان میں اقبال لے کر, اور فتویٰ لگانا ہے تو اقبال پہ لگا ہے. اقبال کہتا ہے, سید حضور مخدوم امم مرکد او پیر سنجرا را حرم. یہ ڈاکٹر اقبال کے تاثرات ہیں. تو وہاں سے جو فیوز و برکات لے کے آپ نکلتے لاہور سے, لاہور سے نکل کر آپ دہلی کا سفر فرماتے ہیں. اب دہلی میں ایک درمیان کا ایک شہر پڑ آتا ہے پٹیالہ, ابھی بھی موجود ہے وہی نام ہے, نام بھی نہیں بدلا. پٹیالہ میں آپ نے قیام فرمایا خاص سرکار غریب نواز نے. وہاں پر ایک پجاری رہتا تھا, اور وہ پجاری جو ہے اس کو معلوم ہوا, اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی پرتھوی راج چوہان کے جاسوس پہنچا چکے تھے کہ ایسا تھا فقیر ہندوستان میں آ چکا ہے, جہاں دیکھو قتل کر دو. وہ پجاری سرکار غریب نواز کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے کہ یہ شخص, اس کے اپنے علم سے پتہ چلا کہ وہ فقیر میرے علاقے میں آیا پٹیالہ میں, کہا یہ یہاں آئیں گا تو یہاں مسلمان بنائیں گا اور یہاں کے لوگوں کو اس ہمارے مذہب سے ہٹا دیں گا. پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ معین الدین تمہارا ہی نام ہے؟ ہاں ہاں. کہا سنا ہے کہ تم بہت بڑے فقیر ہو اور تم ہمارا دھرم پریورتن کرنے آئے ہو, بدلنے آئے ہو. آپ نے فرمایا کہ میں پیغام محبت سنانے آیا ہوں, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, میرا پیغام تو محبت ہے, میں کسی کو بدلنے نہیں آیا ہوں, تم مجھے دیکھو پرکھو اور تمہارے سمجھ میں آئے تو خود بدل جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ پہلے مجھ سے مقابلہ کیجیے.
तो कहा कि किस तरह का मुकाबला, कहा भी आप पे जाहिर हो जाता है। ये कहकर वो हवा में उड़ा। मैं यहाँ एक बात बताना भूल गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ रही है, चाह रहा हूँ कि बहुत कुछ समेटूँ। साथ में आज हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी इस वक्त आपके साथ थे, सरकार गरीब नवाज जब निकले हैं तो साथ में बख्तियार काकी थे, नौजवानी का आलम था और अभी आप तरबियत याफ्ता थे, तरबियत सीख रहे थे गरीब नवाज की बात। ये हवा में बुलंद हुआ, हजरत बख्तियार काकी और ये दोनों देख रहे हैं आप बख्तियार काकी से, फरमाते बख्तियार कहाँ तक देख रहे हो? का हुजूर वो एक चिड़िया की मानी नजर आ रहा है, इतना हवा में उड़ चुका था। आपने फरमाया आप कहाँ तक गया? का हुजूर अब नजर नहीं आ रहा है। फरमाया उसे आवाज़ दो, उसे आवाज़ दिया, पुजारी नीचे उतर, वो नीचे आता है। कहा ये दिखा के तू क्या बताना चाहता? तो कहा कि अगर आप में भी कुव्वत है और आपका मजहब सच्चा है तो जितना बुलंद मैं उड़ा हूँ इतना बुलंद आप उड़ के बताइए। तो सरकार गरीब नवाज मुख्तार जो फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ, कुतुबुद्दीन इसको पस्ती और बुलंदी सिखा दो, इसे बताओ पस्ती क्या होती है और बुलंदी क्या होती है। अब ये उड़ा बख्तियार काकी उससे ऊपर उड़ते हैं, इसने फिर कुव्वत लगाई, बख्तियार काकी के बराबर आया, बख्तियार काकी फिर उससे ऊपर, ये जू जू बढ़ता है, आसमान तक पहुंचा और उसकी हद खत्म। बख्तियार काकी फरमाते क्या थक गया? कसम खुदा की मैं मोइनुद्दीन का भी गुलाम हूँ और गुलामी की इब्तदाई मंजिल है, मेरी मंजिल तो अर्श आजम है, तू तो यही थक गया है। आज तुझे मैं बुलंदी बताऊं कि बुलंदी कहते किसे है? उसने कहा बख्तियार मैं आजीज आया, नीचे उतरिए, कदमों में गिरता है, कहता है जिसके चेले और जिसके गुलाम की बुलंदी का ये आलम है उसका आका कितना बुलंद होगा। इस्लाम सच्चा मजहब है, मैं इस्लाम को भूल करता हूँ, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अब ये भी साथ हो गए, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए काफिला बढ़ता गया, तनहा आए थे मोइनुद्दीन और काफिला बढ़ता जा रहा है। अब एक कसीर जमात हो गई, उसके बाद आप इस जमात के साथ जिसमें जियाउर रहमान है, अब मैं प्रकाश राम क्यों कहूँगी, पुजारी है, बख्तियार काकी है, और रास्ते में जिस इलाके से आप गुजरते हैं इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम में दाखिल फरमाते हैं, उसी जगह पर एक मकाम आता है पटियाला से आगे समाना, तो वहाँ के राजा, अभी बीच के बहुत सारे राजाओं को छोड़ रहा हूँ, उनके अपने अपने खेत वाकया थे, पृथ्वीराज के जासूस जो यहाँ यहाँ पहुँचे और खबरें पहुँची, इन लोगों ने मोइनुद्दीन अजमेरी अले रहमा के साथ क्या क्या सलूक किया, अब इतनी तफसीलात नहीं है, बस एक सुना देता हूँ। समाना का एक राजा जिसका नाम है प्रोशस्तम, हिंदी वर्ड है, थोड़ा जबान पे मतलब प्रोनाउंस बराबर नहीं आ पा रहा, आप समझ लें प्रोशस्तम, ये राजा का नाम। इसके पास भी तस्वीर है पृथ्वीराज की भेजी, जासूस घूम रहे हैं, जासूस ने खबर दी महाराज वो फकीर तो हमारे एरिया में आ गया। कहा मैंने सुना है कि प्रकाश राम ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो पटियाला का पुजारी भी इस्लाम में दाखिल हो गया, बड़े बड़े लोग हमारे बड़े बड़े महंत जो उसके करीब जाता है उसके मजहब को इख्तियार कर लेता है, इससे इतना तो अंदाजा हो गया कि इससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, लिहाजा इसके लिए कुछ दूसरी तदबीर सोचनी पड़ेगी, सिर्फ उस पर निगरानी रखो। आप समाना की सरहद के किनारे, शहर में दाखिल नहीं हुए, किनारे पे आपने कयाम फरमाया, ये पहुंचता है पुरुषोत्तम महाराजा वहाँ का समाना का, पहुंचने के बाद कहता है हाथ को चूमा, पैर को बोसा दिया, कहता है हुजूर मैं तो महात्मा और संतों का भक्त हूँ, आपकी भी भक्ति करने आया हूँ, हुजूर आप मेरे इलाके में तशरीफ लाए, मेरी आदत है, मेरा दस्तूर है कि जो भी मेरे इलाके में आता है मैं उसकी खातिर तवाज़े करता हूँ, जो भी महात्मा आता है मुझे शर्म आती है कि आप मेरे इलाके में खाना अपना खाते हैं, लिहाजा आज से आप मेरे महल चलिए, कयाम कीजिए, खाना मेरा खाइए, मेरी शोभा बढ़ाइए। आपने फरमाया हम फ़कीर हैं, महलों में कयाम नहीं करते, हम अल्लाह के इस शामियाने के नीचे ही सुकून में सर हमें आता है। फिर इसरार किया, नहीं माने तो उसने कहा अच्छा कम अज़ कम इतनी इजाज़त दीजिए कि मैं आपको खाना तो पेश कर सकूँ। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है इसकी इजाज़त, बेहतरीन खाने तैयार करवाए उसने, और खाने तैयार कराने के बाद उसमें जहर मिला देता है पुलिया से, और जहर मिला के वो खाने भेजे उसने अपने साथ सिपाहियों के साथ, खाने के थाल लग गए। सरकार गरीब नवाज के जितने खुदाम थे, अदब ये था जब तक सरकार गरीब नवाज हाथ डाल के खाना शुरू नहीं फरमाते कोई इब्तदा नहीं करता, ये अदब था, और आज भी अदब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कि उलमा की जो दावतें होती है उसमें जब तक कोई आलिम जो बड़ा आलिम है शुरू ना करे कोई शुरू नहीं करता, सब बैठे हुए खाने के पास। सरकार गरीब नवाज ने कागज़ लिया, जेब से कागज़ निकाला, उस पर कुछ उंगली से तहरीर किया, और सिपाही खड़े हुए, तहरीर करने के बाद उस कागज़ को ज़मीन पर रख दिया,
वो लोग मंजर क्या देखते हैं, उस खाने का जहर निकलता है खाने से, हवा में उड़ के उस कागज में जमा हो रहा है। पूड़ी बनाई और पूड़ी बनाने के बाद फरमाते जाओ पुरुषोत्तम को हमारी तरफ से देना और कहना तुझे शर्म नहीं आती, तू राजपूत खानदान का नाम दागदार करता है, राजपूत तो अपने मेहमानों के साथ ऐसी दगा नहीं करते, तू कैसा राजपूत। ये जुमले फरमा दिए, कहा ये कह देना उसको। सिपाही लेके पहुंचे और पुरुषोत्तम जो था राजा, उसने कहा क्या खबर लाए हो, फकीर मर गया। कहा मरता क्या खा, उसने तो अपनी करामत और अपने चमत्कार से खाने से जहर निकाल लिया, फिर सबने खाया कुछ ना हुआ, ये पूरी आपको तोहफे में दिया है। और ये जुमले कहे, पुरुषोत्तम की माँ खड़ी हुई थी पास में, उसने कहा तुझ पर लानत हो, तूने राजपूत खानदान की नाक कटा दी, तू जैसा बेटा मैंने जना ना होता तो बेहतर होता। जब उसने ये लानत मलामत की, आखिर वो अपने वक्त का राजपूत था, शर्मिंदा हुआ, उसी जहर की पूड़ी को खोला, फाग लिया और खुदकुशी करके मर गया। मगर इसका जब वाकयात की चर्चा हुई तो समाना की बड़ी आबादी गरीब नवाज की खिदमत में आती है। जो बुजुर्ग खाने से जहर बाहर निकाल दे उसका ये आलम है। तो अगर हमने ये सुना है कि नबी ने जहर की बोटी उठाई तो बोटी ने उससे कलाम किया, तो ये नामुमकिन नहीं हो सकता कि उसके गुलाम का ये आलम है। तो आका है, इस्लाम सच्चा मजहब है, हमें इस्लाम में दाखिल फरमाएं। इस समाना की आबादी इस्लाम ला रही है। उसके बाद समाना से निकल कर फिर आप अब अजमेर की सरजमीन में दाखिल होते। ऊंट का वाक्य आपने बहुत बार सुना है, मैं उसको तर्क करवाऊंगा कि ऊंट आप एक मकाम पर बैठे और बैठने के बाद वो सिपाहियों ने मना किया, कहा कि यहाँ मत बैठो। फरमाया क्यों, कहा यहाँ ऊंट बैठते राजा के। आपने कहा ऊंट बैठते तो बैठ ही रह जाए, बहरा वो उठे नहीं। तो ये वाक्य मशहूर है, आपने सुना है। वहां से उठकर आप कहाँ तशरीफ लाते हैं, आधा साधा। आज भी वो तालाब मौजूद है, अलबत्ता बहुत गंदा हो गया है, उसका पानी बड़ा अजीब हो गया है, वहीं लोग नहाते हैं। उस वक्त वो बड़ा साफ सुथरा था और उसका पानी पूरे अजमेर के लोग इस्तेमाल किया करते, और आसपास आना सागर के बहुत सारे मंदिर थे। इसका नाम आना सागर क्यों था इस तालाब का, पृथ्वीराज का जो बाप था उसका नाम था अन्नादेव। अन्नादेव ने यह तालाब तामीर किया था, अन्नादेव के नाम की निस्बत से इसका नाम था आना सागर। वो हालांकि अन्ना था, लेकिन अन्ना का वो आना, अन्ना अन्ना वो आना हो गया। जैसे हमारे यहाँ नागपुर है, नागधनी के यहाँ जाते, इसलिए नागपुर है। तो ऐसे बहुत सारे इलाके जिसके नाम बिगड़ गए, जैसे कि भालदारपुरा, यह है भालेदारपुरा, मगर उसको कर दिया हमने भालदारपुरा, तो वो नाम बिगड़ जाते हैं। वैसे वो अन्ना सागर था, वो हो गया अन्ना सागर। उसके किनारे आपने कयाम किया, बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। एक बड़ा मंदिर था जहाँ पृथ्वीराज और उसकी माँ इबादत किया करती थी, और उस मंदिर का जो पुजारी था बड़ा, उस पुजारी का नाम था रामदेव। यही बड़ा पुजारी, यही पूजा पाठ करता था। सरकार गरीब नवाज ने कयाम किया, रामदेव ने पैगाम पहुंचाया कि फकीर तो अब अना सागर आ गया है, क्या किया जाए महाराजा, क्या हुक्म है, अगर इजाजत हो तो मैं अपना जादू से कुछ जंतर मंतर करूं। तो पृथ्वीराज तक भी खबरें आ रही थी सब क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि अभी ना करो, जब वो फकीर गाफिल हो जाए हमारी तरफ से तब हम हमला करेंगे, अभी वो चौकन्ना है और अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम इंतजार करो। उसने अपने चंद सिपाहियों को भेजे और भेजने के बाद कहता है कि आना सागर पे पैरा बिठा दो, उसको पानी न लेने दो। ये वाकया भी सुने कि फिर आपने वो लोटे में पानी ले लिया, मैं उसको भी अभी तर्क करवाऊँ। तो ये वाकया मशहूर है, आप सुनते रहते हैं। अब उसके बाद एक मामला क्या होता है, करामत दिखाई आपने, फिर आना सागर का पानी लौटा दिया, मगर इतना सब होने के बाद भी पृथ्वीराज की अकल नहीं आई ठिकाने। माँ ने समझाया, पृथ्वीराज उस फकीर की कुवत और ताकत को तू भी देख चुका है, मैं भी देख चुकी हूँ। जिसने पूरे अजमेर के पानी को, मौरखीन लिखते हैं कि जब वो पानी आना सागर का लोटे में लिया तो सिर्फ आना सागर का पानी नहीं आया था, पूरे अजमेर के कुएं खुश्क हो गए, बल्कि यहाँ तक लिखा गया है, हज़रत मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि माँ की छातियों के दूध तक सूख चुके। ये आलम हो गया था। जब उसने माफ़ी तलब की, आपने पानी लौटाया, पानी लौटाने के बाद वो जो मामला था सही हुआ। अब मामला क्या होता है वहां पर, वो थोड़ा मैं इशारा में बोल जाऊंगा क्योंकि दूसरे कौम के लोग भी सुनते हैं, आप समझ जाएं कि जब गरीब नवाज के चाहने वाले वहां मौजूद थे, आसपास मंदिर है, तो बड़े जानवरों को ज़्यादा कसरत से खाया करते थे। अब आप समझिए, मैं ज़्यादा खोलना नहीं चाहता। उससे हुई उनको तकलीफ, क्योंकि उनके यहाँ उसकी इज्जत और एहतराम थी। तो एक दिन पूरे जितने पुजारी थे मंदिर के सब जमा हुए, कहा कि महाराज तो हमारे बुजदिल हो गए पृथ्वीराज साहब,
ये हमारे धर्म का बिल्कुल यहाँ पे ये दिवालिया निकालने पे तुला हुआ है। ये फकीर उन चीजों को भी इसके मानने वाले खा जाते हैं जिनकी हम इबादत करते प्रस्तिश करते हैं, अब हमसे देखा नहीं जाता। हम तो अब इस पर जो अपना बस है जो हम कर सकते करेंगे। मीटिंग तय हुई और उसके बाद ये पूरे के पूरे लोग सरकार गरीब नवाज की तरफ बढ़ते हैं हमला करने, और सब अपने वक्त के छू मंतर वाले जादू गंते घंटे वाले। उस वक्त जोहर की नमाज सरकार गरीब नवाज अदा फरमा रहे हैं, कुछ लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं, सुन्नतें अदा कर रहे हैं, कुछ सुन्नतों से फारिग हो चुके हैं। ये सारे पुजारियों को आते हुए देखा घबरा गए। उसके बाद सरकार गरीब नवाज की खिदमत में एक दौड़ते हुए आता है, इंतजार में कि हजरत सलाम फेरे तो कहूँ कि हजरत ये सब पुजारी आए हुए न जाने क्या करें। पुजारी आए कहा कि कहाँ है वो तुम्हारे सूफी बुजुर्ग, उसने हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया है, उससे कहो कि यहाँ से जाए और जगह तब्दील करे। तो उन्होंने कहा ठहरो अभी नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, अभी फौरन यहाँ से हटो, यहाँ से चलो उठो। उन्होंने कहा भाई वो अभी नमाज से फारिग होंगे, उनसे गुफ्तगू कर लो हमारे पीर से। अभी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने जादू मंत्र पढ़ने शुरू किए और उनकी तरफ जादू के वार करने शुरू करते हैं। नतीजा ये हुआ कि सरकार मोइनुद्दीन के बाद मुरीदीन वहीं पर गिर के तड़पने लगते हैं, अजीब अजीब उनके हालात और कैफियतें तारी हुई। इधर सरकार गरीब नवाज ने सलाम फेरा और वहीं पास जहाँ कयाम थे, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे, पास ही से आप एक मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं, वहाँ की रेत लेते हैं, और वो लेने के बाद आयतल कुर्सी तिलावत फरमाते हैं और दम किया, और दम करने के बाद जब उनकी तरफ फेंकते हैं तो सिरुल अख्ताब की मुसन्नी फरमाते हैं कि फेंकना था जिस पर रेत का जर्रा भी लगा वो पत्थर का मुजस्सम बन के वहीं साकी हो गया, और जो भागे जो जान बचा के भाग सकते थे तो भागे। फिर एक जो निगाह रहमत अपने मुरीदीन पे डाली तो सब सही हो सारी। अब ये भागने वाले पहुंचते और पाक भागने के बाद रामदेव को आवाज देते, महाराज गजब हो गया, उसने तो हमारे लोगों को पत्थर के मुजस्समों में तब्दील कर दिया। अच्छा ये सिलसिला चिश्तिया की बड़ी अजीब करामत है यार, बात याद आ रही है तो अर्ज करना चाहता हूँ। चिट्ठी आ रही है कि वक्त की पाबंदी, क्योंकि परमिशन का भी मामला है हमारे यहाँ, बस 15 मिनट में बोलूँगा इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। बहरहाल बात याद आ रही है, सिलसिला चिश्ती के एक बुजुर्ग है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, नाम तो सुना है आपने, कचोचा के बुजुर्ग है, अपने वक्त के गौसे आलम है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में आपका खादिम है, और रास्ते में एक संतराश मूर्ति बना रहा है, बड़ी खूबसूरत मूर्ति तराशा है उसने पत्थर। मुरीद तो मुरीद थे, इश्क पे जोर नहीं गालिब, ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। मूर्ति से इश्क हो गया इंसाफ को, मुरीद साहब को, और इश्क हुआ तो उस मूर्ति को देखने खड़े हो गए। मखदूम अशरफ तो आगे बढ़ गए, ये मगन है और मूर्ति को भूले जा रहे। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खानका में तशरीफ लाए, फरमाया वो मुरीद कहाँ रह गया। लोगों ने कहा हुजूर आपके साथ का, फरमाया देखो क्या कर रहा है कहूँगा। मुरीद दौड़े देखा तो ये साहब महवे हैरत और उस मूर्ति को घूरे जा रहे हैं, बस दुनिया और माफिया सब भूल चुकी, हिलाया डुलाया, अरे चलो पीरो मुर्शिद बुला रहे हैं, उसको ना होश ना ठिकाना, हिल रहा है बोलता कुछ नहीं। मुरीद आया कहा हुजूर वो तो अजीब पत्थर का मुजस्सम बन के खड़ा हुआ है, होश हवास जाते रहे, उस मूर्ति की जो संतराज बना रहा है उसकी इश्क में मुब्तला हो गया। अगर तशरीफ लाते हैं उसके सीने पे हाथ रखा तो जैसे होश में आया हुजूर। हाँ क्या कर रहे हो मियाँ? कहा हुजूर खड़ा हूँ, उसे देखा मोहब्बत है इससे। कहा हुजूर मोहब्बत तो है, आपसे क्या छुपाना, आप तो दिलों के भेद और दिलों के हालात जानते। कहा हकीकी मोहब्बत है? कहा हुजूर हकीकी मोहब्बत है, रखना चाहोगे? हाँ हुजूर रखना चाहूँगा। जब मुरीद ने ख्वाहिश जाहिर की, मखदूम अशरफ सिमनानी हाथ फिराते और मूर्ति में जान पड़ती और एक हसीन जमील औरत में तब्दील हो जाती। हाल बगड़ा, आज से तेरे निकाह में दिया, चल खानका में तेरे निकाह की तकरीब करे। उलमा फरमाते इससे औलादे हुई, मगर उसकी 3 नस्ल तक औलादों का ये हाल रहा कि नाखून पत्थर के रहते, बाकी पूरा जिस्म इंसानों का रहता, ताकि ये निशानी रहे कि ये उसकी नस्ल से हैं, उस बुत की नस्ल से, जिसको मखदूम ने अपनी करामत से औरत में तब्दील किया। ये सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का अजीब आलम है, कभी पत्थरों को इंसान बनाती और कभी इंसानों को पत्थर बना देते हैं, जैसे हालात होते हैं वैसा मामला होता है। यहाँ गरीब नवाज इन पत्थरों को, इन इंसानों को पत्थर में तब्दील कर रहे हैं, और वहाँ मखदूम अशरफ पत्थर में जान डाल के इंसान बना रहे हैं। अपने अपने वक्त की बात है,
उसके बाद रामदेव के पास जब दौड़े और रामदेव का आवाज दी, रामदेव महाराज बड़ा गजब हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। रामदेव महाराज आते हैं बड़े जलाल में और मंत्र अंतर लेके आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने देखा और देखने के बाद निगाह उठाई, फरमाया रामदेव ठहर गया, इतना जज्बाती ना, इतना गुस्से में ना, बड़ा नर्म लहजा था, होठों पे तबस्सुम था। रामदेव वहीं ठहर गया। खादिम को आवाज दी पानी लाओ, खादिम ने पानी लाया, सरकार गरीब नवाज ने पानी पिया और पीने के बाद जो प्याले में बच गया रामदेव की तरफ बढ़ाते कहते पहले पानी पी ले उसके बाद फिर जो चाहे करना। उसने पानी पिया, जैसे ही पानी पिया दिल की दुनिया बदल चुकी थी, रामदेव कदमों में गिरता है, हुजूर सब कुछ रोशन हो चुका है, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, आप ही का मजहब है। हजरत उस रामदेव को अपनी खिदमत में अपनी गुलामी में कबूल फरमाते और उस रामदेव का नाम शादी देव रखते हैं। यही है शादी देव। मैं अनासागर का वाक्य पहले बता चुका, ये शादी देव ही है जिसने प्याले में पानी लाया था। ये वाक्य बाद का है लेकिन चूंकि मैं मुख्तसर बताना था वो पहले गुजर चुका है। रामदेव जब दाखिल हुआ तो ये बड़े घबराया, पृथ्वीराज चौहान तक खबर पहुंची। अब जादूगर जयपाल जोगी को बुलाता है, जयपाल सब जा चुके, अब तो ही एक मेरी उम्मीदों का मरकज है, कुछ कर। जयपाल ने कहा फिक्र ना करो, उसके लिए उस फकीर के लिए तो मेरे शागिर्दी काफी है। चुनांचे अपने शागिर्दों की फौज के साथ सरकार गरीब नवाज की तरफ बढ़ता है और हाथों में इस अंदाज में फौज आती है, इसके जो शागिर्द है जयपाल जोगी के सबके हाथों में असे की जगह सांप बन लगे हुए, टाइड बिल्कुल सांपों को पकड़े हुए। गोया तारीख उस बात को फिर दोहरा रही है। सरकार गरीब नवाज की अगर आप सीरत देखें तो एक बार ऐसे जहन में ख्याल आया कि यार ये करामतें दिखाने की क्या जरूरत थी। सरकार गरीब नवाज के वो भी वाकया थे कि निगाह उठा दिया तो लोगों के दिल पलट गए, फिर यहाँ कुछ जगह करामतें दिखाई फिर इस्लाम में लाया, इसका सबब क्या है? तो मेरे जहन में ये आया कि अंबिया के जितने मोजिजात है करामत उसका जिल होती है। हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, अपनी किताब फुतुल गैब जो सरकार गौसे आजम की किताब है उसकी फारसी जबान में शरह की, फुतुल गैब में फरमाते हैं कि विलायत मोजेजे का जिल होता है। जिल कहते हैं साये को, मोजेजा असल है और जो विलायत है जो करामत है उसका साया है। और साया कब होगा? जब वजूद होगा। हमारा साया कब होगा? जब हमारा वजूद होगा। तो जब जब वजूदों का इनकार होता है, मोजेजा वजूद है, लोगों जब मोजेजे में शुकूक करते हैं, वली करामत दिखाते हैं और दिखा के बताते हैं कि जब हम नबी के गुलाम होकर अंबिया के खादिम होकर हमें ही अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, तो हमारे नबी है और हमारे अंबिया के जो मोजेजे हैं उस पर शक न लाना वरना ईमान से खारिज हो जाओ। तो ये औलिया करामत इसलिए दिखाते हैं। चुनांचे वो रामदेव जब इस्लाम लाता है, सरकार ने शादी देव नाम फरमाया, जयपाल जोगी को भेजा जाता है, कसीर फौज जादूगरों के साथ आता है, हाथों में सांप है। सरकार गरीब नवाज ने हिसार कायम किया और हिसार क्या होती है मैं बता भी देता हूँ, कभी ऐसा मौका आ जाए तो आप इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। आप किसी ऐसी जगह चले जाएं वीराने में, जंगल में फंस गए, खौफ है, डर है, हमारे मशायख और सूफिया ने एक वजीफा दिया है कि तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह अहद पढ़कर उंगली से एक दायरा बना ले और उस दायरे के बीच में खुद कयाम करे, बैठ जाए, तो इंशाल्लाह कोई भी बला मुसीबत उसकी तरफ नहीं आए। तो जो दायरा बना जाता है उसको इसार कायम करना कहते हैं, इसार बनाना कहते हैं। ऐसा मौका आया था ऐसा कर लिया था। और यह अंबिया की सुन्नत है। अब किन किन नबी की सुन्नत है वो बताऊँगा तो वक्त रख जाएगा। गरीब नवाज ने भी हिसार कायम किया, जब सांप उन्होंने छोड़े हिसार तक आते और सब फिर लकड़ी के मानी होके वहीं गिर के ख़त्म हो गया। सारे जादूगर जब आजीज आ गए तो जयपाल जोगी ऐसा के करीब आता है, आने के बाद कहता मोइनुद्दीन मेरा चमत्कार देखो, मेरा जादू देखो, और अगर तुम में इसके मुकाबले की हिम्मत हो तो इसका मुकाबला इसके जो है तोड़ पैदा पेश कर रहे हैं। जयपाल जोगी उठा, ये भी वाक्य आप सुन चुके हैं। सरकार ने अपनी खड़ाव निकाली, खड़ाव निकालने के बाद बुलंद फरमाई, वो निगाहों से उजल हो गया जयपाल जोगी। और उसके बाद लोगों ने मंजर देखा कि वो खड़ाव सर पे पड़ रही है और ये जमीन की तरफ आ रहा है, और जो जो जमीन की तरफ आता है खड़ाव पड़ती है सर पे
और ये कहता जाता है हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने जान लिया कि ये जादू नहीं, ये करामत है, और जिसके परवरदिगार ने ऐसी करामत जिसको अता फरमाई है उसका मजहब भी हक है, उसका रब भी हक है। जयपाल योगी भी इस्लाम कबूल करता है, सरकार गरीब नवाज ने इसका नाम अब्दुल्ला रखा। पृथ्वीराज चौहान को जब खबर लगती है कि जयपाल भी इस्लाम में दाखिल हो गया, अब बड़ा फड़फड़ाया, और उसके बाद वो पैगाम भेजता है कि कल रात तक मोइनुद्दीन तुम मेरी हुकूमत के हदूदों से निकल जाओ, वरना फिर मैं तुम पे फौज भेजूंगा और उसके नुकसान के जिम्मेदार तुम होंगे। अभी जुमला जब कासिद पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसने ये पैगाम सुनाया गरीब नवाज को, तो आप एक जुमला फरमाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हमने गिरफ्तार किया और उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। अभी जुमला कह दिया, पृथ्वीराज दूसरे दिन तैयारी में लगा है, और आज जब आती है तो गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी, जो इससे पहले भी हिंदुस्तान पर हमला कर चुका था, पृथ्वीराज से हार कर भागा, और इस ताक में है कि मौका मिले तो पृथ्वीराज से मैं बदला चुका हूं। ख्वाब में बशारत होती है, गरीब नवाज ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, शहाबुद्दीन हिंदुस्तान की हुकूमत तेरे हवाले हमने कर दी, हिंदुस्तान तुझे हम दावत देते हैं, आ पृथ्वीराज पे हमला कर और उसको गिरफ्तार कर। शहाबुद्दीन ने इससे पहले गरीब नवाज को कभी नहीं देखा था, जाहिर सी बात है कहाँ खरासान कहाँ गजनी, फासला बहुत है। मगर जब ख्वाब से बेदार हुआ, अपने वजीरों को और अपने जमात के उलमा को बुलाया, कहा कल एक बुजुर्ग की ज़ियारत थी, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी शक्ल सूरत से बुजुर्गियाँ टपक रही थी, मुझे मालूम होता है ख्वाब सच्चा है, तुम लोग क्या कहते हो? उन्होंने कहा बादशाह सलामत आपने ख्वाब देखा है तो सच्चा होगा, और जब किसी बुजुर्ग की मदद शामिल हाल हो जाए तो कामयाबी यकीनी है, चलिए हिंदुस्तान की तरफ कूच कीजिए। शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ, अजमेर में दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद पृथ्वीराज पर हमला किया, पृथ्वीराज गिरफ्तार होता है, और गिरफ्तार होके शहाबुद्दीन के हाथों मारा जाता है। इस तरह सरकार गरीब नवाज के फ्यूज और बरकात से हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हुई। जब जंग से फारिग हुआ तो दूर करीब से अजान की आवाज सुनी शहाबुद्दीन गौरी ने, कहता ताज्जुब की बात है, मैं तो समझ रहा था हम कुफ्रिस्तान में आए हैं, यहाँ तो सबसे कुफ्र कुफ्र होगा, मगर ये अजान की आवाज कैसे आ रही है? मालूम होता है मुसलमानों की कोई जमात करीब ही है, आओ उन्हें तलाश करो, चलो वहीं पर हम अपनी नमाज अदा करेंगे। जब पहुंचा तो अजान हो चुकी थी, लोग वजू से फारिग होके सफ़े बना रहे थे, नमाज के लिए इमाम खड़ा हो चुका था, शहाबुद्दीन भी पीछे गया और उसी जमात में उसी इमाम की इक्तदा में नियत करके खड़ा हो गया, सलाम फेरा गया, नमाज ख़त्म हुई, और जैसे ही सलाम और नमाज खत्म होने के बाद बुजुर्ग पर निगाह पड़ती है, शहाबुद्दीन कदमों में गिरता है, कसम परवरदिगार की ये चेहरा वही है जिसने ख्वाब में बशारत दी थी, जिसने मुझे ख्वाब में बशारत दी, जिसकी दुआओं से ये हुकूमत मुझे मिली है हिंदुस्तान की, ये अपने वक्त का वली कामिल है। कदमों में गिरता है, कहता हुजूर अपना तारुफ पेश कीजिए। सरकार मोइनुद्दीन फरमाते हैं फकीर मोइनुद्दीन अजमेरी है, उस्मान हारूनी का खलीफा है। कहता हुजूर मेरी मुझे अपनी गुलामी में दाखिल फरमा दीजिए। शहाबुद्दीन गौरी हजरत से बैत होकर मुरीद हो जाता है। उसके बाद फिर वो बात के और वाकयात है, चुनांचे बख्तियार काकी को दिल्ली की कुतबियत अता करके सरकार गरीब नवाज रवाना फरमाते हैं। बख्तियार काकी के ज़माने में जो दिल्ली का बादशाह है वो है शमशुद्दीन अल्तमश। अब ये बख्तियार काकी को जब दिल्ली भेजा सरकार गरीब नवाज ने, हजरत शमशुद्दीन अल्तमश इन्हीं से मुरीद होता है, और मुरीद होने के बाद आलम यह है कि साथ में घूमते फिरते हैं, बहुत अदब करता है, बड़ी ताज़ीम करता है। बादशाह ने जब यह अदब किया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ तो कुछ हाफिदीन पैदा हो गए कि यार ये इस फकीर को क्यों इतना मतलब इज्जत देते हैं बादशाह सलामत। चुनांचे कुछ वजीरों को खतरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने बाद बख्तियार काकी को बादशाह न बना दे, और वो नहीं चाहते थे कि बादशाह बने, हालांकि ऐसा कुछ मामला था नहीं, उन्होंने बहुत सारे कान भरे, लेकिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने पीर के बारे में कुछ भी नहीं सुनता था। एक औरत को उन्होंने तैयार किया, वो औरत हमल से है, पेट उसका बड़ा है, आती है दरबार में, कुतुबुद्दीन मौजूद है उस वक्त बख्तियार काकी भरे दरबार में, कहती है बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, का इंसाफ किया जाएगा, का इस शख्स ने मेरे साथ बदकारी की और मुझे बच्चे वाली बना दी, मैं चाहती हूँ कि उससे मेरा निकाह कराया जाए, और अगर वो नौजवान निकाह के लिए तैयार ना हो तो सजा दी जाए। कौन है वो शख्स?
कहा वही जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं बख्तियार काकी माज, उसने ख्वाजा बख्तियार काकी पर इल्ज़ाम लगाया। जब हजरत बख्तियार काकी ने जैसी उसकी बात सुनी घबरा गया, पसीने पसीने हो गए, शर्मिंदा हो गए, कहा बदबख्त ये क्या कहती है, तो झूठ कहती है। कहा मेरे पास गवाह, झूठे गवाह भी खड़े कर दिए उसने। हजरत बड़े परेशान हुए, उसी दरबार में आप जिस सिंध में अजमेर था, दिल्ली से अजमेर की तरफ रुख करते हैं और सरकार गरीब नवाज की तरफ लव लगा के करते, पीरो मुर्शिद मेरी इमदाद फरमाइए, जंगले जबान से निकले दिल में कहा था, देखते के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े हुए। बख्तियार क्यों याद किया, हुजूर मुझ पर बड़ी आफत टूटी है। फरमाया हमारे होते हुए कोई खौफ की जरूरत नहीं, तेरा पीर अभी जिंदा है। करीब पहुंचे और बदकार औरत झूठ कहती है। कहा मैं झूठ नहीं कहती। आपने कहा भी जाहिर हो जाता है, आपने अपनी उंगली ली, पेट की तरफ इशारा करते हैं और उस पेट के बच्चे से मुखातिब होकर फरमाते हैं, बच्चे बता तेरा बाप कौन है। पेट से शिकम से आवाज आती है, मेरी माँ झूठी है, झूठ कहती है। बख्तियार काकी ने इसे देखा भी नहीं है मेरी माँ को, फला शख्स ने बदकारी की, मैं उसका नतीजा। बादशाह ने उस औरत को भी कत्ल किया और उसके हवा खाते उसको भी कत्ल कर दिया। ये सरकार गरीब नवाज की इतनी करामात है फिर उसके बाद, और वो एक बड़ा तफसील है। 97 साल की उम्र में, 97 साल की उम्र हुई सरकार गरीब नवाज की। 6 रजब 633 हिजरी को अजमेर की सरजमीन पर आपका विसाल होता है। अब मुतअद्दिद उलमा ने, जिसने शाह अब्दुल मुहद्दिद दहलवी जैसा वक्त का अलीम, मिरातुल अफरार में और सीरुल अख्ताब बड़ी बड़ी किताबों में ये बात तहरीर है कि जिस दिन सरकार गरीब नवाज का इंतकाल हुआ, वक्त के जलील कदर मशायक मौजूद है, वो देखते हैं, वो सबका बयान है कि हमने सरकार गरीब नवाज की पेशानी पर अरबी में तहरीर देखी, जैसे किसी ने कुदरत से तहरीर लिख दी थी और जो साफ पढ़ी जा रही थी। तहरीर ये थी, हाजा हबीबुल्ला माता फी हुब्बुल्ला, ये अल्लाह का हबीब है, इसकी मौत अल्लाह की मोहब्बत में हुई है, ये अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। सरकार बख्तियार काकी फरमाते हैं, जिस दिन मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हुआ, उस दिनों में दिल्ली में पे था, हजरत ने मुझे दिल्ली रवाना कर दिया। मैंने उसी रात जिस दिन इंतकाल हुआ ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ तशरीफ फरमा है और आप टहल रहे हैं, इंतजार फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया फिदा का अभी उम्मी या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो जाए, आका किसका इंतजार है। फरमाया तेरे पीर मोइनुद्दीन का अजमेर में इंतकाल हो गया है, अल करीब आने वाला, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। ये मोइनुद्दीन अजमेरी है, इनका फैर आज भी जारी है, बज़ाहिर विसाल फरमाया है, लेकिन आज भी वो जिंदा है, उनका फैज जिंदा है, उनके फ़ैज़ और बरकात जिंदा है, उनकी तालीमात जिंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात सरकार गरीब नवाज का हमें गुलाम बनाए रखे और कयामत में उनकी गुलामी में हमें कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। ترقت عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن إنك قد خلقت كما تشاء.